आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में और मैं हूं नितेश शर्मा। मैं आपको करा रहा हूं 11th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी जो कि फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सिविल सर्विसेज के लिए या फिर स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए या फिर ईपीएफओ के लिए और आपको वर्ल्ड क्लास मटेरियल चाहिए जिसमें कि आपका सारा सिलेबस कवर कराया गया हो, आपको सिलेक्शन वाले नोट चाहिए, तो प्लीज ज्वाइन कीजिए हमारा पेड ग्रुप। पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए कॉल कीजिए आप इन नंबर्स पे। एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जो हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है @studyforcivilservices, उसे भी आप जरूर जरूर ज्वाइन कीजिए क्योंकि यहां बहुत आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहती है, बहुत सारा फ्री में मटेरियल मिलता है। तो हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप को जरूर जरूर ज्वाइन कीजिए। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज के जो लेक्चर है वो हमारे पास चैप्टर 6 के ऊपर है और जो चैप्टर 6 है वो हमारे पास जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस है। देखिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर में सबसे पहले एक आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो ये आपकी अर्थ है, व्हाई द सरफेस ऑफ द अर्थ इज अनइवन, जो आपका अर्थ का सरफेस है वो अनइवन क्यों है। यहां देखिए, द अर्थ क्रस्ट इज डायनामिक, जो हमारे पास अर्थ की क्रस्ट है यानी कि आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ की, वो आपकी चेंज होती रहती है, डायनामिक है आपकी। वो क्यों चेंज होती है? द डिफरेंसेस इन द इंटरनल फोर्सेज ऑपरेटिंग फ्रॉम विद इन द अर्थ विच बिल्ट अप द क्रस्ट हैव बीन रिस्पॉन्सिबल। ये जो आपके डिफरेंसेज होते हैं ना, आपकी जो इंटरनल फोर्सेज जो अर्थ के अंदर काम करती है, जिसने आपकी अर्थ की क्रस्ट को बनाया है, उसमें वेरिएशंस आती है आपकी, वो क्या आपकी वेरिएशंस लेके आती है आउटर सरफेस में ऑफ द अर्थ क्रस्ट, यानी कि वो आपके अर्थ के सरफेस को चेंज करती रहती है, जो आपकी इंटरनल फोर्सेस है जो आपके अर्थ के अंदर काम करती हैं। एंड द अर्थ सरफेस इज बीइंग कंटीन्यूअसली सब्जेक्टेड टू द एक्सटर्नल फोर्सेस इंड्यूस्ड बेसिकली बाय एनर्जी, यानी कि सनलाइट। और जो आपके अर्थ के जो ऊपर यानी कि एक्सटर्नल फोर्सेस काम कर रही है अर्थ के बाहर, वो भी आपके जो अर्थ के सरफेस को कंटीन्यूअसली चेंज करती रहती है। और जो अर्थ के बाहर जो सरफेस आप जो फोर्सेस आपकी काम करती हैं, वो कहां से ड्राइव करती है अपनी एनर्जी? वो सनलाइट से अपनी एनर्जी ड्राइव करती है जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में होती है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे पास जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। यहां देखिए, ये हमारा जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। जियो का मतलब होता है आपका अर्थ, यानी कि जो हमारे पास मदर अर्थ है। मॉर्फिक का आपका मतलब है अर्थ की फॉर्म क्या है, अर्थ का स्ट्रक्चर क्या है, इसकी शेप क्या है और क्या क्या रिलीफ फीचर्स होते हैं अर्थ के सर्फेस पे। ये जियोमॉर्फिक प्रोसेस आपके दो प्रोसेस में डिवाइड है। पहला है आपका एंडोजेनिक प्रोसेसेस, दूसरा है आपका एक्सोजेनिक प्रोसेसेस। एंडो का मतलब होता है आपका इंटरनल और जेनिक का मतलब होता है ओरिजिन, कि वो प्रोसेसेस जिनका ओरिजिन आपके अर्थ के इंटीरियर में है या कि अर्थ के अंदर है, उनको हम कहते हैं एंडोजेनिक प्रोसेसेस। एक्सोजेनिक प्रोसेसेस, एक्सो का मतलब होता है आपका एक्सटर्नल और जेनिक का मतलब होता है ओरिजिन। एक्सोजेनिक प्रोसेसेस वो प्रोसेस होते हैं जो आपके अर्थ के बाहर काम करते हैं, यानी कि अर्थ के सरफेस के बाहर काम करते हैं, यानी कि एटमॉस्फेयर में काम करते हैं, उनको हम एक्सोजेनिक प्रोसेसेस कहते हैं। इस एंडोजेनिक प्रोसेसेस के पीछे आपकी मेन फोर्स क्या होती है? जो आपके अर्थ के इंटीरियर में हीट होती है ना, आपका हीट फ्लो करती है, वो आपका इसके पीछे मेन फोर्स होती है एंडोजेनिक प्रोसेसेस के पीछे। और उसी मेंटल में आपने देखा होगा अर्थ के इंटीरियर में जो एक लेयर होती है मेंटल, उसमें आपका मैग्मा होता है और मैग्मा से आपकी बहुत सारी लैंडफॉर्म्स बनती है और मैग्मा पे आपके कन्वेक्शनल करंट्स भी होते हैं, जो उन कन्वेक्शनल करंट्स की वजह से आपका मैग्मा फ्लो करता है और कॉन्टिनेंटल जो आपकी लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं वो भी मूव करती है, डाइवर्ज करती है, कन्वर्ज करती है। तो इंटरनल हीट एंड फ्लो ऑफ मैग्मा आपका मेन फोर्स है एंडोजेनिक प्रोसेसेस के पीछे। अब एक्सटर्नल प्रोसेसेस जो होते हैं हमारे पास एक्सोजेनिक प्रोसेसेस, उनके पीछे मेन फोर्स है आपका सन, क्योंकि जो पूरा एटमॉस्फेयर है वो सन से ही एनर्जी ड्राइव करता है। एटमॉस्फेयर में और भी आपके कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि आपका विंड हो गया, टेंपरेचर हो गया, रेनफॉल हो गया, उन सब की वजह से एक्सोजेनिक प्रोसेसेस काम करते हैं। फिर आपके हैं कुछ ग्रेडियंट्स क्रिएटेड बाय टेक्टोनिक फैक्टर्स। टेक्टोनिक फैक्टर्स जैसे आपकी जो कॉन्टिनेंटल जो आपकी और ओशनिक प्लेट्स होती है, लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं, वो जब मूव करती हैं तो वो क्या करती हैं, कुछ सर्फेसिस क्रिएट करती हैं अर्थ में, शेप देती हैं उनको कुछ, और जो आपके ग्रेडियंट्स होते हैं उन्हीं टेक्टोनिक फैक्टर्स की वजह से, प्लेट की मूवमेंट्स की वजह से क्रिएट होता है। यानी कि कोई भी अगर आपका सब्सटेंस है तो आपको हायर स्लोप से लोअर स्लोप तक मूव करेगा, अगर आपका कोई भी विंड है वो आपकी हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर तक मूव करती है, आपके ग्रेडियंट्स होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अभी आपको टर्म्स और है वो भी हम देख लेते हैं, जैसे कि आपका डिग्रेडेशन हो गया। डिग्रेडेशन का मतलब होता है आपका जो वियरिंग डाउन, और ये वियरिंग डाउन कैसे होता है? वियरिंग डाउन मतलब किसी भी सरफेस को कम करना, वियरिंग डाउन मतलब उसको घटा देना। कोई माउंटेन है आपकी, उसका इरोजन हो गया और उसकी हाइट कम हो गई, उसको बोलते हैं वियरिंग डाउन। ये कौन करता है? ये एक्सोजेनिक फोर्सेस आपकी करती है वियरिंग डाउन, उसको बोलते हैं डिग्रेडेशन। एग्रेडेशन क्या होता है? आपका जो आपके बेसिन्स होते हैं यानी कि डिप्रेशन होते हैं अर्थ पे, लो सरफेस होते हैं, वहां उसको फिल करना होता है, उसको भर देना बोलते हैं हम एग्रेडेशन। और ये कैसे होता है? ये भी आपके एक्सोजेनिक फोर्सेस करती है इरोजन से, और वहां कुछ सेडिमेंट्स लेके आती है और उसको डिप्रेशन वगैरह को भर देती है। फिर आपका होता है ग्रेडेशन। ग्रेडेशन क्या है? आपका द फिनोमिना ऑफ वियरिंग डाउन ऑफ द रिलीफ वेरिएशन ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ थ्रू इरोजन इज नोन एज ग्रेडेशन। ये क्या होता है? जो भी आपके रिलीफ फीचर्स है, यानी कि माउंटेन्स है, आपके प्लेटूज है और बहुत सारे रिलीफ फीचर्स आपके अर्थ सर्फेस को, उनको इरोजन, उनका इरोजन कर देती है, जो अर्थ की सर्फेस वेरिएशन है उनका इरोजन हो जाता है और इसको बोलते हैं हम ग्रेडेशन। यहाँ देखिए, जो आपके एंडोजेनिक फोर्सेस होते हैं वो कंटिन्यूअसली क्या करती हैं? कंटिन्यूअसली एलिवेट करती हैं और बिल्ट अप करती हैं पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। वो हमेशा आपकी कंटिन्यूअसली बनाती रहती है एंडोजेनिक फोर्सेस, आपको कुछ ना कुछ अर्थ पे बनाती रहती है, बिल्ड करती रहती है आपके रिलीफ फीचर्स को, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेटूज वगैरह हो गए। एंड हेंस एक्सोजेनिक जो प्रोसेसेस होते हैं, एक्सोजेनिक प्रोसेसेस आपको क्या करते हैं, उनको जो बनते हैं, बिल्ड अप होते हैं जो आपके अर्थ पे लैंडफॉर्म्स, उनको क्या करते हैं? वियर डाउन करते हैं। बट वो इतना वियर डाउन नहीं कर पाते हैं कि जितना आपका जो एंडोजेनिक प्रोसेसेस होते हैं वो उन्हें क्रिएट करते हैं। इस वजह से वो कंटिन्यूअसली एलिवेट होते रहते हैं,
अंदर बिल्ड होते रहते हैं। यहाँ देखिए एंडोजेनिक फोर्सेज आर मेनली लैंड बिल्डिंग फोर्सेज, आपकी लैंड को बिल्ड करती है, उसके फीचर्स बिल्ड करती है, और जो एग्जोजेनिक प्रोसेसेस होते हैं उसको मेनली क्या करते हैं, लैंड वियरिंग फोर्सेज है, उसको कम करते रहते हैं, उसका इरोजन करते रहते हैं, वेदरिंग करते रहते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस हमारे क्या होते हैं, कैसे होते हैं। ये देखिए द एंडोजेनिक एंड एग्जोजेनिक फोर्सेस, ये मैंने आपको बताया, कॉजिंग फिजिकल स्ट्रेसेस, ये फिजिकल स्ट्रेस कॉज करती है, दोनों की दोनों जो फोर्सेस है आपकी, केमिकल एक्शन कॉज करती है ऑन अर्थ के मटेरियल पे, एंड इन केमिकल प्रोसेसेस और इन फिजिकल स्ट्रेसेस जो दोनों ही प्रोसेसेस कॉज करती हैं, क्या करती है, ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन द कॉन्फिगरेशन ऑफ द अर्थ सर्फेस एंड आर नोन एज जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। जियोमॉर्फिक प्रोसेस में आपके एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस आपको मैंने बताए थे, उसमें एक वोल्केनिज्म होता है, एक आपका डायस्ट्रोफिज्म होता है, फिर आपके जो एग्जोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस हैं, एग्जोजेनिक जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस जो आपके अर्थ के बाहर होंगे, एटमॉस्फेयर में होंगे, जैसे कि वेदरिंग है, आपका मास वेस्टिंग है, आपके मास वेस्टिंग क्या होता है, लैंडस्लाइड्स वगैरह मूवमेंट होती है, इरोजन है, डिपोजिशन, वो सब आपके एक्सोजेनिक प्रोसेसेस में आएंगे। अब हम एक इंपॉर्टेंट टर्म देख लेते हैं, जियोमॉर्फिक एजेंट्स। ये आपके जियोमॉर्फिक एजेंट्स क्या होते हैं, ये जियोमॉर्फिक एजेंट्स वो एजेंट्स होते हैं जो आपको जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस को करने में हेल्प करते हैं उनकी, जैसे कि आपके जियोमॉर्फिक एजेंट्स आपका रनिंग वाटर है, मूविंग आइस है, आइस मासेस जो है आपके, विंड्स है, वेव्स है, करंट्स है, इनको आप जियोमॉर्फिक एजेंट्स बोलते हैं, क्योंकि ये क्या हेल्प, ये क्या करते हैं, ये आपका रिमूव करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, किसको, अर्थ के मटेरियल को, जो आपका अर्थ का मटेरियल वेदर हो जाता है उसको वहां से इरोजन करते हैं, उसका मूव कराते हैं, रिमूव करते हैं, ट्रांसपोर्ट एंड डिपॉजिट करते हैं, इस वजह से इनको क्या बोलते हैं, जियोमॉर्फिक एजेंट्स, क्योंकि ये जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस में हेल्प करते हैं उनको। ये देखिए फ्रेंड, जो मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से हमारे पास ग्रेडियंट्स होते हैं अर्थ पे, ये देखिए आइदर विद इन द अर्थ और ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, जितनी मूवमेंट्स होती हैं अकर ड्यू टू ग्रेडियंट्स, वो ग्रेडियंट्स की वजह से होती है। ग्रेडियंट क्या होता है, आपका हायर लेवल टू द लोअर लेवल, यानी कि आपकी लैंडस्लाइड होगी तो एक हायर स्लोप से लोअर स्लोप पे आएगी जो अर्थ का मटेरियल लेके आती है लैंडस्लाइड, एंड आपकी जो विंड होती है वो हायर प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया से होती है, इन्हीं को हम ग्रेडियंट कहते हैं। फ्रेंड्स अब हमारे पास आया जियोमॉर्फिक प्रोसेस का नंबर वन, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड था ना, तो पहला होता है आपका एंडोजेनिक प्रोसेसेस, द एनर्जी एमिनेटिंग फ्रॉम विद इन द अर्थ, ये इसकी जो एनर्जी होती है ना एंडोजेनिक प्रोसेस के लिए वो आपकी अर्थ से आती है, और यही मेन फोर्स होती है बिहाइंड इन प्रोसेसेस के पीछे। एनर्जी मोस्टली जनरेटेड बाय रेडियो एक्टिविटी, एनर्जी कहां से आती है, जो एक मेन फोर्स है इन प्रोसेस के पीछे, आपकी जो रेडियो एक्टिविटी है वहां से जनरेट होती है, रोटेशनल एंड टाइडल फ्रिक्शन से होती है, प्रीमोडियल जो हीट है जबकि आपकी अर्थ बनी थी उस टाइम की जो हीट बची हुई अर्थ के इंटीरियर में उससे ये आपकी आती है, और जो ये एनर्जी है इन जियोथर्मल ग्रेडियंट्स की वजह से एंड जो हीट फ्लो करता है विद इन द अर्थ, ये क्या करती है, इंड्यूस कर देती है डायस्ट्रोफिज्म एंड वोल्केनिज्म इन द लिथोस्फीयर, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। अब जो वेरिएशन आते हैं जियोथर्मल ग्रेडियंट्स की वजह से एंड हीट फ्लो फ्रॉम विद इन, जो हीट फ्लो होता है उसके बाद आपकी जो क्रिस्टल थिकनेस है जो कि आपकी वेरी करती है, क्रिस्टल थिकनेस आपकी कहीं कम होती है कहीं ज्यादा होती है, ओशियन क्रस्ट में कम पाई जाएगी और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में आपकी क्रिस्टल थिकनेस ज्यादा होगी, स्ट्रेंथ क्या हो, स्ट्रेंथ और उस क्रस्ट की स्ट्रेंथ क्या है, एक्शन ऑफ एंडोजेनिक फोर्सेस वो आपके कभी भी यूनिफॉर्म नहीं होते हैं, हेंस टेक्टोनिकली कंट्रोल्ड ओरिजिनल क्रस्टल सर्फेसेस अनइवन, और जो आपका टेक्टोनिकली कंट्रोल्ड जो ओरिजिनल क्रस्टल सर्फेस होता है यानी कि जहां प्लेट्स आपकी टेक्टोनिक प्लेट्स आपकी मूव करती हैं तो वहां पे जो सर्फेस होता है वो आपका अनइवन मिलता है, इन सब फैक्टर्स की वजह से, थिकनेस स्ट्रेंथ वगैरह की वजह से और जियोथर्मल ग्रेडियंट की वजह से ये आपका अर्थ का सर्फेस अनइवन पाया जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स इस फिगर में मैं आपको दिखाता हूँ कि एंडोजेनिक फोर्सेस के पीछे मेन जो फोर्स होती है, जो प्रोसेस होते हैं एंडोजेनिक प्रोसेसेस होते हैं उसके पीछे मेन फोर्स क्या होती है। यहाँ देखिए ये आपका मेंटल लेयर है, मेंटल लेयर में आपको एस्थेनोस्फेयर मिलता है, एस्थेनोस्फेयर में आपको पता है हॉट एंड मोल्टन आपको मैग्मा मिलता है, वहां पे क्या होता है इस हॉट यहाँ पे जो बहुत सारी हीट होती है आपकी, आपकी रेडियो एक्टिविटी की वजह से होती है, आपकी जियोथर्मल ग्रेडियंट्स की वजह से होती है, आपकी फिर प्रीमोडियल हीट होती है, वो हीट क्या करती है उस हीट की वजह से डेंसिटी डिफरेंसेस आते हैं इस लेयर के मटेरियल में, और उस डेंसिटी डिफरेंसेस की वजह से यहाँ पे क्या होते हैं कन्वेक्शनल करंट्स जनरेट होते हैं। ये देखिए कन्वेक्शनल करंट्स की आपकी सर्कुलर मोशन होती है और ये एस्थेनोस्फेयर के आपके ऊपर लिथोस्फेरिक प्लेट्स होते हैं, लिथोस्फेयर होता है, और जैसे जैसे आपके कन्वेक्शनल करंट्स जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं, ये देखिए आप कन्वेक्शनल करंट्स की डायरेक्शन देख रहे हैं, आपका जो आपकी डाइवर्जिंग प्लेट होती है, ये प्लेट देखिए इससे डाइवर्ज कर रही है, ये कन्वेक्शनल करंट्स की वजह से ही डाइवर्ज करती है, क्योंकि यहां पे जो कन्वेक्शनल करंट्स है वो क्या है डाइवर्जिंग उनकी डायरेक्शन है, तो यहां पे डाइवर्जिंग डायरेक्शन है तो जो आपकी लिथोस्फेरिक प्लेट्स होंगी डाइवर्ज करेंगी, और जो हॉट एंड मोल्टन मैग्मा होता है उससे बहुत सारी लैंडफॉर्म्स बनती है और वो यहां से बाहर आ जाता है, ओशन में क्या बनाता है ओशनिक रिज बनाता है, इसको बोलते हैं हम डाइवर्जेंट बाउंड्रीज बोलते हैं इसको हम। उसके बाद फिर देखिए आपके और भी यहां पे जैसे हॉटस्पॉट है, यहां से मैग्मा आपका बाहर आ गया तो यहां भी इसने एक लैंडफॉर्म बनाते हैं शील्ड वोल्केनो, ये भी एंडोजेनिक प्रोसेस है। तो जो एंडोजेनिक प्रोसेस होते हैं इनके जो पीछे मेन फोर्स होती है वो क्या होता है आपका जो मैग्मा होता है, जो हीट होती है उस हीट की वजह से डेंसिटी डिफरेंसेस आते हैं, और डेंसिटी डिफरेंसेस की वजह से आपके क्या होते हैं जो कन्वेक्शन करंट्स होते हैं और उनकी डायरेक्शन के हिसाब से आपकी प्लेट्स मूव करती हैं, कन्वर्ज करती है या फिर डाइवर्ज करती है। यहां देखिए यहां पे जो कन्वेक्शन करंट्स होंगे ना, यहां पे कन्वेक्शन करंट्स की डायरेक्शन क्या होगी आपकी सेम डायरेक्शन होगी, ऐसी डायरेक्शन होगी एक दूसरे के साथ ऐसी होगी, देखिए डायरेक्शन देखिए कन्वेक्शन करंट्स की डायरेक्शन ये होगी, तो इस वजह से जो आपकी प्लेट है दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है, सबडक्ट कर जाती है, और इस वजह से इनको बोलते हैं कन्वर्जिंग बाउंड्रीज, ये है आपके एंडोजेनिक प्रोसेसेस। यहां पे देखिए यहां पे आपकी माउंटेन रिज बन रही है सरफेस पे, इसको बोलते हैं वोल्केनिक माउंटेन रिज, इस वजह से आपके ये होते हैं आपके एंडोजेनिक प्रोसेसेस।
फ्रेंड्स फिर आता है आपका डायस्ट्रोफिज्म। डायस्ट्रोफिज्म क्या होता है? डायस्ट्रोफिज्म बहुत सारे प्रोसेस को इन्वॉल्व करता है जो कि आपकी मूव करते हैं, एलिवेट करते हैं और बिल्डअप करते हैं कुछ पोर्शन ऑफ द अर्थ का क्रस्ट का, वो आपके डायस्ट्रोफिज्म के नीचे आते हैं। यानी कि बहुत सारे प्रोसेस जो आपके अर्थ के मूव करते हैं, अर्थ के सर्फेस को एलिवेट करते हैं या फिर उस पर कुछ रिलीफ फीचर्स बनाते हैं, जैसे आपके माउंटेन्स हो गए, प्लेटूज हो गए और बहुत सारे रिलीफ फीचर्स हैं, उसको वो सारे प्रोसेस डायस्ट्रोफिज्म के नीचे आते हैं। जैसे कि पहला देख लेते हैं ऑरोजेनिक प्रोसेस क्या होते हैं। आपके ऑरोजेनिक प्रोसेस आपके माउंटेन बिल्डिंग से होते हैं। माउंटेन्स कैसे बनती है? माउंटेन्स बनती है थ्रू सीवियर फोल्डिंग एंड इफेक्टिंग लॉन्ग नैरो बेल्ट्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट। जब हमारी अर्थ क्रस्ट फोल्ड होती है तो माउंटेन बनती है। आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये फोल्डिंग हुई है। ये देखिए ये आपकी अर्थ की क्रस्ट है। अर्थ की क्रस्ट पे क्या हो रहा है? कंप्रेस हो रही है। ये फोर्स कौन सी लग रही है? कंप्रेशन वाली फोर्स लग रही है इसको, तो उससे वजह से क्या होता है? फोल्ड होता है। फोल्डिंग की वजह से क्रस्ट बन जाती है और ट्रफ बन जाती है आपका। ट्रफ वाला आपका वैली जैसा हो जाता है। क्रस्ट वाला जो होता है वो आपके माउंटेन फोल्ड माउंटेन्स बनाता है, जैसे कि हमारे पास हिमालयन माउंटेन्स है। और फ्रेंड्स आपकी माउंटेन्स बनती कैसे? जब आपकी दो जो बाउंड्रीज होती हैं, ये आपकी दो प्लेट लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स क्या कर रही हैं? एक दूसरे से कन्वर्ज कर रही हैं। ये क्या है? आपकी कन्वर्जेंट बाउंड्रीज हैं। तो क्या होता है जब दो प्लेट्स आपकी कन्वर्ज हो रही होती है, तो एक जो प्लेट होती है कम थिकनेस वाली या फिर कमजोर प्लेट होती है वो नीचे सबडक्ट कर जाती है दूसरी प्लेट को, और दूसरी प्लेट क्या कर जाती है? राइज कर जाती है, और वो क्या करती है? अर्थ के पोर्शन को एलिवेट कर देती है, और हमारे पास ऐसे हमारी माउंटेन्स बनती है। ये सब किस वजह से होता है? ये सब मैग्मा की मूवमेंट की वजह से होता है, क्योंकि यहाँ जो करंट है वो कन्वेक्शन जो कन्वेक्शन करंट होता है उनकी डायरेक्शन क्या होती है? उनकी डायरेक्शन एक ही होती है, और इसी वजह से कन्वर्ज करती है और माउंटेन्स फॉर्म होती है। उसके बाद जो सेकंड आपका प्रोसेस है वो आपका एपिरोजेनिक। एपिरोजेनिक प्रोसेस ये देखिए आपका एपिरोजेनिक प्रोसेस है इन्वॉल्विंग अपलिफ्ट और वार्पिंग ऑफ द लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट। ये क्या करता है? अर्थ की क्रस्ट को अपलिफ्ट कर देता है, या फिर वार्पिंग का मतलब होता है झूल जाना, अर्थ की क्रस्ट झूल जाती है, यानी कि डिप्रेशन टाइप बन जाता है। उसके बाद आपके होते हैं अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक क्या करते हैं? इन्वॉल्विंग लोकल रिलेटिविटी माइनर मूवमेंट्स। मैं आपको बता चुका हूं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में, मैंने आपको प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में पढ़ाया था। तो ये चार प्रोसेस वो है हमारे पास जो डायस्ट्रोफिज्म में इंक्लूड होता है। जो प्लेट टेक्टोनिक्स होती है वो आपके हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होते हैं क्रस्टल प्लेट्स की, आपने देखा होगा डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट बाउंड्रीज में कि मूव करती है, हॉरिजॉन्टली करती है प्लेट मूव। ऑरोजेनिक क्या है आपका? ऑरोजेनी और एपिरोजेनी में डिफरेंस देख लेते हैं। ऑरोजेनी आपको क्या है? माउंटेन्स बनाता है, माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस है। एपिरोजेनी क्या बनाता है? आपका एक कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग प्रोसेस है। फ्रेंड्स ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, ऑरोजेनी इज माउंटेन बिल्डिंग एंड एपिरोजेनी इज कॉन्टिनेंट बिल्डिंग। उसकी वजह से क्या होता है? ऑल दीज प्रोसेस जितने भी प्रोसेस होते हैं क्या करते हैं? प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंजेस करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है? आपका पीवीटी चेंजेस की वजह से इंड्यूस कर देता है मेटामॉर्फिज्म ऑफ रॉक्स, यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म हो जाते हैं। देखिए अब है आपका डायस्ट्रोफिज्म के बाद वल्केनिज्म। वल्केनिज्म मैंने आपको चैप्टर 3 इंटीरियर ऑफ अर्थ में पूरा पढ़ा दिया कि कैसे मैग्मा बाहर आता है, एंडोजेनिक फोर्सेज होती है, एंडोजेनिक फोर्सेस होते हैं हीट की वजह से कन्वेक्शन करंट आ जाते हैं, उसकी वजह से आपकी प्लेट डाइवर्ज करती है और कैसे मैग्मा बाहर आ जाता है और कुछ ना कुछ अर्थ पे एक्सट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स क्रिएट करता है और इंट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स भी क्रिएट करता है। इसके बाद फ्रेंड्स आपके आते हैं दूसरे टाइप के प्रोसेसेस, एक्सोजेनिक प्रोसेसेस। एक्सोजेनिक का मैंने आपको बताया था, एक्सो मतलब एक्सटर्नल होता है और ओरिजेनिक मतलब ओरिजिन होता है। जो आपके प्रोसेसेस अर्थ के बाहर होते हैं यानी कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं, और ये जो प्रोसेसेस है ड्राइव करते हैं देयर एनर्जी फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, और अल्टीमेट जो एनर्जी एटमॉस्फेयर को ड्राइव होती है वो कहां होती है? वो आपकी एटमॉस्फेयर को जो एनर्जी मिलती है वो सन से मिलती है। और जो एटमॉस्फेयर में जो भी प्रोसेसेस होते हैं वो ये जो एक्सोजेनिक प्रोसेसेस जो भी होते हैं ये आपके एनर्जी कहां से ड्राइव करते हैं? एटमॉस्फेयर से, और एटमॉस्फेयर आपका सन से ड्राइव करता है। एंड ऑल्सो द ग्रेडियंट क्रिएटेड बाय द टेक्टोनिक फैक्टर्स। मैं आपको ग्रेडियंट पहले बता चुका हूं कि जो भी मूवमेंट होती है अर्थ के मटेरियल की, यानी कि जो फ्रेगमेंट्स होते हैं रॉक्स वगैरह की मूवमेंट होती है लैंडस्लाइड्स में, वो हायर स्लोप से लोअर स्लोप में होती है, और जो विंड की मूवमेंट होती है वो आपका हायर प्रेशर एरिया से लोअर प्रेशर एरियाज में होती है। फिर यहां देखिए एक्सोजेनिक प्रोसेसेस में सबसे जो इंपॉर्टेंट है फर्स्ट आपका जो फैक्टर है वो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स आपके सारे के सारे अर्थ के मटेरियल्स पे अप्लाई होती है जहां भी आपका स्लोपिंग सर्फेस होता है। और क्या करती है? स्लोपिंग सर्फेस पे जो ऊपर आपका टूटा हुआ मटेरियल होगा रॉक्स वगैरह होगा उसको ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो क्या होगा? मूवमेंट आ जाएगी उसमें, और वो डाउनवर्ड स्लोप की डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा वो आपका मैटर। और जो आपकी फोर्स होती है अप्लाइड पर यूनिट एरिया उसको हम स्ट्रेस कहते हैं, और स्ट्रेस आपकी बनती है ग्रेविटेशनल फोर्स जहां पे होती है उसकी वजह से आपकी स्ट्रेस आती है। और जब स्ट्रेस आपकी सॉलिड्स में आती है पुशिंग और पुलिंग की वजह से आती है, और ये स्ट्रेस क्या इंड्यूस कर देती है? जो अर्थ का मटेरियल होता है उसमें डिफॉर्मेशन इंड्यूस कर देती है, उसकी वजह से अर्थ के मटेरियल में शियर स्ट्रेसेस आ जाती है। शियर स्ट्रेसेस का मतलब होता है फ्रेंड्स आपकी सेपरेटिंग फोर्सेस। ये जो आपकी फोर्स होती है इट इज द स्ट्रेस दैट ब्रेक डाउन रॉक्स एंड अदर अर्थ मटेरियल्स। ये आपकी जो शियर स्ट्रेस है यानी कि डिफॉर्मेशन जो लाती है आपके सेपरेटिंग फोर्सेस होती है, ये आपके रॉक्स को ब्रेक कर देती है और अर्थ के अदर मटेरियल्स को भी ब्रेक कर देती है। और ये आपकी स्ट्रेस जो है आपके वो एंगुलर और डिस्प्लेसमेंट और स्लिपेज भी क्रिएट करती है। यहां देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और स्लिपेज भी क्रिएट करती है। फिर ग्रेविटी को छोड़ के हमारे पास अगर हमें दूसरा देखा जाए, दूसरा कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एक्सोजेनिक प्रोसेसेस में, वो है आपका मॉलिक्यूलर स्ट्रेस। ये मॉलिक्यूलर स्ट्रेस आपकी किस वजह से आती है? ये मॉलिक्यूलर स्ट्रेस आपकी आती है कोई भी आप रॉक देखते हो, रॉक में कुछ मिनरल्स होते हैं और मिनरल्स की भी कुछ इंट्रा मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट होती है। जहां पे इंट्रा मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट में आपको जोन ऑफ वीकनेस मिलता है तो वो जो केमिकल
होता है, वो जो आपका मिनरल होता है, रॉक होता है, वहीं से वो जोन ऑफ वीकनेस से ब्रेक होता है। इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रेस। मॉलिक्यूलर स्ट्रेस आती है आपकी टेम्परेचर चेंजेस की वजह से, क्रिस्टलाइजेशन एंड मेल्टिंग ऑफ द रॉक, इनकी वजह से आपको मॉलिक्यूलर स्ट्रेस आती है। फिर जो आपका तीसरा जो प्रोसेस है आपका एग्रोजेनिक प्रोसेसेस में, वो है आपका केमिकल प्रोसेसेस। केमिकल प्रोसेसेस क्या करते हैं, ये जो हमारे पास बॉन्ड्स होते हैं ना बिटवीन ग्रेन्स, जो अब भी आपका रॉक होता है वो अरेंज होता है किसकी वजह से होता है, ग्रेन्स जो होते हैं रॉक्स के उनके बीच में बॉन्ड्स होते हैं उसकी वजह से वो सॉलिड फॉर्म में होता है। तो वो केमिकल प्रोसेसेस उन बॉन्ड्स को क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं, और वो जो रॉक्स के अंदर मिनरल प्रेजेंट होते हैं उसको डिसॉल्व कर देते हैं, सॉल्युबल मिनरल्स को या फिर उन सीमेंटिंग मिनरल्स को जिससे रॉक बना होता है उन मिनरल्स को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है सॉल्यूशन में। दस द बेसिक रीजन दैट लीड्स टू वेदरिंग, मास मूवमेंट एंड इरोजन इज द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेसेस इन द बॉडी ऑफ द अर्थ मटेरियल। जो आपकी ये सारी मूवमेंट्स क्रिएट कराता है, वेदरिंग, मास मूवमेंट, इरोजन हो गया, इनमें बेसिक रीजन क्या होता है इनके पीछे, वो होता है जो कि आपका रॉक होता है, अर्थ मटेरियल होता है, उसमें क्या हो जाता है, स्ट्रेसेस डेवलप हो जाती है, उसकी वजह से ये सब चीजें होती है। फिर आपका जो फोर्थ रीजन है सबसे इंपॉर्टेंट आपका, ये आपका ग्रेविटी के बाद, मॉलिक्यूलर स्ट्रेस के बाद, केमिकल प्रोसेसेस के बाद, एक्सोजेनिक प्रोसेसेस के लिए, वो है आपका टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहां देखिए अभी आपका जो डेन्यूडेशन है ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डेन्यूडेशन, चलिए डेन्यूडेशन समझ लेते हैं क्या होता है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये आपका डेन्यूडेशन होता है। डेन्यूडेशन इन्वॉल्व करता है आपके चार प्रोसेस। सबसे पहला जो प्रोसेस डेन्यूडेशन में स्टार्टिंग में होता है वो होता है आपका वेदरिंग। वेदरिंग का मतलब होता है आपका जो रॉक्स होते हैं, अर्थ का मटेरियल होता है, उसका फ्रेगमेंट्स में ब्रेक होना, पीसेस में टूटना। फिर आपका होता है इरोजन। इरोजन का मतलब होता है आपका जो आपके फ्रेगमेंट्स हुए रॉक्स के, पीसेस में टूटे, उसको वहां से अलग हटाना, वहां से उसको लेके जाना, वहां से अलग हटाना, ताकि जो रॉक है दोबारा वेदर हो सके। फिर होता है आपका थर्ड प्रोसेस इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है, ये इरोजन का मतलब होता है उन फ्रेगमेंट्स को वहां से रिमूव करना। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है जो फ्रेगमेंट्स और सेडिमेंट्स आपके रॉक के जो वेदर हो चुके हैं उनको वहां से एक दूसरी जगह पे ले जाके। और चौथा प्रोसेस है आपको डिपोजिशन, तो जो फ्रेगमेंट्स हैं उनको एक लोअर सरफेस पे जाके डिपॉजिट करना। तो ये आपके चार प्रोसेस होते हैं डेन्यूडेशन में। यहाँ देखिए अगर हम अलग अलग रीजन में जाते हैं आपका, तो आपको अलग अलग क्लाइमेटिक रीजंस मिलते हैं, अलग अलग क्लाइमेट मिलता है। जैसे कि आप लैटिट्यूड से, इक्वेटर से आप जाओगे पोल की तरफ, तो आपको क्या होगा, इक्वेटर पे आपको हॉट रीजन मिलेगा, पोल्स की तरफ जाओगे तो आपको ठंडा ठंडा होता जाएगा। तो अलग अलग क्लाइमेटिक रीजंस होते हैं यहाँ पे, ठीक है। वो क्लाइमेटिक रीजंस क्या करते हैं, ओइंग टू वेरिएशंस इन थर्मल ग्रेडियंट्स। थर्मल ग्रेडियंट्स में क्या करते हैं, वेरिएशंस लाते हैं, जैसे कि क्रिएटेड बाय लैटिट्यूडनल, सीजनल एंड लैंड वाटर, एंड लैंड वाटर जो कि स्प्रेड होता है आपके अर्थ के सर्फेस पे, वो आपका वेरिएशन ला देते हैं थर्मल ग्रेडियंट्स में। और जो आपके एग्रोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस होते हैं वो वेरी करते हैं आपके रीजन टू रीजन, क्योंकि वहां पे क्लाइमेट वेरी करता है। यहाँ पे देखिए डेंसिटी टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन विच लार्जली डिपेंड्स अपॉन प्रेसिपिटेशन एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन पे आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वेजिटेशन का अलग अलग क्लाइमेटिक रीजन में वो डिपेंड करता है। वो भी आपका इन्फ्लुएंस करता है वेजिटेशन ऑफ आपका, इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है ऑन एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आप फिगर देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया ये इक्वेटर के जो पास वाला जोन है, इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक्स है, हमारे पास ट्रॉपिक जोन है, यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट होती है और यहाँ पे जो रीजन होंगे वहां पे क्लाइमेट अलग होगा। फिर यहाँ पे देखिए आपका टेम्परेट जोन है, जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं ये भी आपका टेम्परेट जोन है। फिर आपका फ्रिजिड जोन है, यहाँ पे आपका फ्रिजिड जोन में बहुत ज्यादा कोल्ड क्लाइमेट होगा और जो आपका टेम्परेचर होगा वो बहुत कम होगा, प्रेसिपिटेशन भी बहुत कम होती है। यहाँ की प्रेसिपिटेशन इस वाले जोन बीच वाले प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर ज्यादा होता है। फिर आपको जो टेम्परेट जोन होता है वहां पे आपका प्रेसिपिटेशन और जो आपकी विंड्स की जो स्पीड होती है वो भी इसी पे डिपेंड करती है, विंड्स की वेलोसिटी। और ये जो आपका जो प्रेसिपिटेशन है, आपका टेम्परेचर है, विंड की स्पीड है और आपकी हीट है, ये सब आपके एक्सोजेनिक प्रोसेसेस में, ये आपके जियोमॉर्फिक एजेंट्स हैं। और जियोमॉर्फिक एजेंट्स क्या करते हैं, आपके एक्सोजेनिक जो भी प्रोसेसेस होते हैं उनको हेल्प करते हैं उनको होने में। तो इस वजह से क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट रीजंस पे आपको डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट मिलते हैं और जियोमॉर्फिक जो प्रोसेसेस होते हैं वो वेरी करते हैं डिफरेंट रीजंस में। और ये जो आपको चारों यहाँ रीजंस दिख रहे हैं किसकी वजह से दिख रहे हैं, ये सनलाइट यहाँ पे जितनी जो सनलाइट जो है यहाँ पे जितनी रिसीव करता है ये उसी की वजह से ऐसा होता है यहाँ पे। क्योंकि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि जो एक्सोजेनिक प्रोसेसेस होते हैं उनके पीछे जो मेन फोर्स होती है, बिहाइंड उनके पीछे जो मेन फोर्स होती है वो आपका एटमॉस्फेयर होता है। और उस एटमॉस्फेयर में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, आपके विंड हो गया, वाटर हो गया, टेम्परेचर हो गया, रेन हो गई, प्रेसिपिटेशन हो गई, उसके पीछे अल्टीमेट जो फोर्स होती है वो क्या होती है, वो सन की होती है। तो यहाँ आपको समझ आया होगा कि सन कैसे कंट्रोल करता है। सन हमारे पास सनलाइट की वजह से हमारे पास डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजंस बनते हैं, उन डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजंस में आपके डिफरेंट जियोमॉर्फिक एजेंट्स होते हैं, यानी कि किसी में टेम्परेचर ज्यादा होता है, किसी में कम होता है, विंड की वेलोसिटीज डिफर करती है अलग अलग क्लाइमेटिक रीजंस में, प्रेसिपिटेशन डिफर करती है और उसकी वजह से जो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस हैं आपके वो भी वेरी करते हैं रीजन टू रीजन। यहाँ देखिए इस फिगर में आपको 6.1 में कुछ डेन्यूडेशन एजेंट्स दिए हुए हैं, प्रोसेसेस दिए हुए हैं और उनके पीछे की ड्राइविंग फोर्स है। ये प्रोसेस आपका वेदरिंग प्रोसेस में कौन कौन सी आपकी फोर्स लगती है, ड्राइविंग फोर्स ग्रेविटेशनल, मॉलिक्यूलर स्ट्रेसेस और केमिकल एक्शन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताई है। मास मूवमेंट, जैसे कि आपकी जो बहुत ज्यादा मूवमेंट होती है हायर स्लोप से लोअर स्लोप पे, जैसे कि लैंडस्लाइड्स वगैरह, उसमें आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स काम करती है। इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन में आपकी काइनेटिक एनर्जी काम करती है,
डिफरेंट जियोमॉर्फिक एजेंट्स होते हैं। फ्रेंड, जो आपका लास्ट और इम्पोर्टेंट फैक्टर है एक्सोजेनिक प्रोसेसेस को, जो एक्सोजेनिक प्रोसेसेस में लास्ट और इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो क्या है, आपका टाइप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द रॉक्स। क्योंकि एक्सोजेनिक प्रोसेसेस जो होते हैं वो इन्हीं रॉक्स को, इन्हीं रॉक्स की वेदरिंग करते हैं, इन्हीं रॉक्स को वियर डाउन करते हैं, क्योंकि जो भी आपका रिलीफ फीचर होता है वो इन्हीं रॉक्स से बना होता है। और एक्सोजेनिक प्रोसेसेस जियोमॉर्फिक एजेंट की हेल्प से क्या करते हैं, इन्हीं रॉक्स को वेदर करते हैं, और जो भी रिलीफ फीचर होता है उसमें रॉक्स होते हैं, इन्हीं रॉक्स से क्या होती है, वियरिंग डाउन होती है। तो देख लेते हैं ये टाइप्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स पर कैसे डिपेंड करते हैं वाले प्रोसेसेस। क्योंकि कुछ रॉक्स में आपके फोल्ड होते हैं, फॉल्ट होते हैं, उनकी ओरिएंटेशन एंड इंक्लिनेशन ऑफ बेड, किसी रॉक में आपके प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ जॉइंट्स होगा। अगर किसी रॉक में आपके जॉइंट्स पाए जाते हैं तो उसकी जल्दी वेदरिंग होगी, वो जल्दी ब्रेक होगा, और जहां पे जॉइंट्स नहीं होंगे वो लेट में वेदरिंग होगी, उसका लेट ब्रेक होगा। बेडिंग प्लेन्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, बेडिंग प्लेन्स के अलोंग क्या हो जाता है, इसका फॉल्टिंग हो जाती है, बेडिंग प्लेन्स के अलोंग भी रॉक ब्रेक कर जाता है। कहीं बेडिंग प्लेन्स है तो जल्दी ब्रेक करेगा, नहीं है तो लेट ब्रेक करेगा। हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, कोई रॉक अगर आपका हार्ड है तो उसकी वेदरिंग भी होगी, वेदरिंग में टाइम लगेगा, कोई रॉक अगर आपका सॉफ्ट है तो वहां जल्दी वेदरिंग हो जाएगी। उसके बाद केमिकल सक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी कि अगर किसी रॉक में ऐसे मिनरल्स हैं जो आपके सॉल्व डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में या फिर किसी केमिकल में, वो मिनरल्स डिसॉल्व हो जाते हैं तो वो रॉक आपका जल्दी वेदर होगा। अगर किसी रॉक में जो ऐसे मिनरल्स नहीं है जो जल्दी डिसॉल्व होते हैं तो वहां पे केमिकल सक्सेप्टेबिलिटी क्या होगी, केमिकल वेदरिंग बहुत कम होगी। फिर आपके परमेबिलिटी एंड इम्परमेबिलिटी भी देखते हैं, कोई रॉक अगर आपका वहां वाटर अंदर जा सकता है उस रॉक में तो वहां पे वेदरिंग जल्दी होगी, अगर वाटर अंदर नहीं जा सकता है, इतना पोरस नहीं है, वो इम्परमेबल रॉक है, तो वहां पे वेदरिंग क्या होगी, लेट होगी। तो इसी वजह से जो एक्सोजेनिक प्रोसेस है ये भी आपके टाइप एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक पे डिपेंड करते हैं। अब बस यहाँ पे आपके एक्सोजेनिक प्रोसेस का एक लास्ट पैरा बचा है, वो हम देख लेते हैं उसमें क्या कहता है, कि जो आपके डिफरेंसेस आते हैं आपके अर्थ के सरफेस पे वो आपके ओरिजिनली रिलेटेड तो है क्रस्टल एवोल्यूशन से, यानी कि जो आपकी क्रस्ट बनती है ना, अर्थ की क्रस्ट बनती है उसी से आपके जो डिफरेंसेस आते हैं अर्थ के सर्फेस पे, लेकिन ये कहीं ना कहीं कंटिन्यू टू एग्जिस्ट करते हैं इन सम फॉर्म और अदर ड्यू टू द डिफरेंसेस इन द टाइप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ मटेरियल। जो आपका रॉक एंड रॉक का जो मैंने आपको टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बताया उसकी वजह से भी कुछ आपके चेंजेस होते हैं, और डिफरेंस इन जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस एंड इन रेट इन, और उनके जो रेट ऑफ ऑपरेशन होता है जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस का उसकी वजह से। तो एक बार फिर से देख लीजिए, ये जो डिफरेंसेस आते हैं आपके अर्थ के सर्फेस पे आपके क्रिस्टल एवोल्यूशन से रिलेटेड होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रिलेटेड होते हैं आपके डिफरेंस इन टाइप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ मटेरियल, जो रॉक का स्ट्रक्चर और टाइप होता है। उसके बाद जो आपका डिफरेंसेस आते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस में रीजन टू रीजन पे, और जो उनका रेट ऑफ ऑपरेशन होता है उन सब पे ये डिपेंड करता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे वेदरिंग, ये वेदरिंग भी आपका एक्सोजेनिक प्रोसेस है। वेदरिंग इज द एक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट ओवर अर्थ मटेरियल्स, यानी कि जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं वेदर के या फिर क्लाइमेट के, जैसे कि आपका रेन हो गया, टेम्परेचर हो गया, आपका विंड हो गई, उनका जो एक्शन होता है किस पे, अर्थ के मटेरियल्स पे, उन एलिमेंट्स का जो एक्शन है अर्थ के मटेरियल्स पे उसको हम कहते हैं वेदरिंग। अब वेदरिंग क्या है आपका, वेदरिंग इज डिफाइंड एज मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, यानी कि किसी भी रॉक का मैकेनिकली टूटना, एंड केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स, यानी कि केमिकली उसका डिकम्पोज हो जाना रॉक्स का थ्रू द एक्शन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। मैंने आपको भी बताया एलिमेंट्स क्या होते हैं वेदर एंड क्लाइमेट के। तो वेदरिंग क्या है आपका, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन एंड केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स, यानी कि मैकेनिकली या फिर केमिकली रॉक्स कैसे भी डिकम्पोज हो जाए, टूट जाए फ्रेगमेंट्स में, पीसेस में, उसको हम वेदरिंग बोलते हैं। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, जो वेदरिंग होता है आपका इन सीटू प्रोसेस होता है, इन सीटू का मतलब ऑन साइट प्रोसेस होता है। वेदरिंग को इन सीटू क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो रॉक की वेदरिंग होती है रॉक फ्रेगमेंट्स में ब्रेक होता है, जहां पे वो रॉक पाया जाता है वहीं पे उसकी वेदरिंग होती है, इसको वजह से इसको इन सीटू बोलते हैं। वेदरिंग प्रोसेस आर कंडीशन बाय मेनी कॉम्प्लेक्स जियोलॉजिकल क्लाइमेटिक एंड टोपोग्राफिक एंड वेजिटेटिव फैक्टर्स, ये सारे फैक्टर्स वेदरिंग में रोल प्ले करते हैं। क्लाइमेट आपका पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस का है। देखिए फ्रेंड्स, आपकी वेदरिंग क्या होती है और वेदरिंग और इरोजन में कुछ डिफरेंस होता है। यहाँ देखिए, वेदरिंग को हमें कंफ्यूज नहीं करना चाहिए इरोजन के साथ, क्योंकि इरोजन में क्या होता है, इरोजन क्या करता है, हमारे पास ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉक्स एंड मिनरल एजेंट्स बाय सच एज वाटर, आइस, स्नो, विंड एंड वेव्स एंड ग्रेविटी एंड देन बीइंग ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड इन अदर लोकेशंस। जो आपके रॉक्स अपनी जगह पे, जहां पे रॉक होता है वहीं पे, मैंने आपको बताया कि वहीं पे वेदरिंग होती है, वहीं पे वो रॉक फ्रेगमेंट्स में टूटता है, उसको हम वेदरिंग कहते हैं। वेदरिंग में कोई भी ट्रांसपोर्टेशन नहीं होती, वो रिमूव नहीं होता है, रॉक के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं वहां से वो रिमूव नहीं होते वेदरिंग में, बट ये जो रिमूवल होता है उन फ्रेगमेंट्स का एक से जगह दूसरी जगह उन्हें कौन ले जाता है, उस प्रोसेस होता है इरोजन बाय एजेंट जैसे कि वाटर, आइस, स्नो एंड वेव्स। वेदरिंग में और रॉक इसमें इरोजन में कंफ्यूज मत होइएगा। फ्रेंड्स, ये वाली जो फिगर आपको दिख रही है, ये फिगर है आपके जो डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजंस में वहां पे कितना आपका टेम्परेचर होता है, कितने आपकी रेनफॉल होती है, कितना, ये देखिए प्रेसिपिटेशन दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजंस दिए हुए हैं और वहां बताया हुआ है। ये देखिए आपको जो नीचे यहाँ पे डार्क एरिया दिख रहा है, आपकी वेदरिंग मेंटल है कि किस क्लाइमेटिक रीजन में कितनी ज्यादा वेदरिंग होगी, यानी कि कितने ज्यादा रॉक्स आपके डेप्थ तक वेदर हो पाएंगे और कितनी वेदरिंग मेंटल वहां बनती है। यहाँ देखिए टुंड्रा रीजन जो है आपका, यहाँ पे आपकी वेदरिंग मेंटल बहुत कम होती है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा आपका क्या होता है, कोल्ड क्लाइमेट, बहुत ज्यादा कोल्ड क्लाइमेट होता है, आइस होती है, इस वजह से वेदरिंग कम हो पाती है। यहाँ देखिए ताइगा और जो पॉडसोल जोन है आपका, वहां पे आपकी प्रेसिपिटेशन, रेन ज्यादा है, टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, तो इस वजह से जो आपकी वेदरिंग मेंटल है वो ज्यादा आपकी बढ़ जाती है। फिर आपकी स्टेपी क्लाइमेट में देखिए, वहां भी थोड़ा सा प्रेसिपिटेशन कम हो जाती है, टेम्परेचर कम हो जाता है, तो वेदरिंग मेंटल भी थोड़ी सी कम हो जाती है। सेमी डेजर्ट एरियाज में आप देखिए
यहाँ पे आपका टेम्परेचर तो ज्यादा होता है, लेकिन जो आपको दूसरा इंपॉर्टेंट जो आपका एलिमेंट होता है वेदरिंग के लिए रेनफॉल, वो बहुत ज्यादा कम होती है इन एरियाज में, डेजर्ट्स में, तो वेदरिंग की जो मेंटल है वो बहुत कम हो जाती है। फिर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में यहाँ पे आपकी रेनफॉल बहुत ज्यादा होती है और ये बहुत ज्यादा हेल्प करती है आपकी वेदरिंग ऑफ रॉक्स में। उसके बाद आपका टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा हाई होता है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, तो वेदरिंग मेंटल जो होती है इन ट्रॉपिकल रीजन्स में वो बहुत ज्यादा आपको पाई जाती है। वेदरिंग हमारे पास तीन टाइप्स की होती है। पहली वाली जो वेदरिंग होती है हमारे पास केमिकली रॉक्स डिसइंटीग्रेट होते हैं, फिर उसके बाद फिजिकल और मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन होती है, और थर्ड होती है आपकी बायोलॉजिकल। पहले हमें देखते हैं केमिकल वेदरिंग प्रोसेस में क्या होता है। यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं आपके जो केमिकल वाले होते हैं, सॉल्यूशन होता है, कार्बोनेशन होता है, हाइड्रेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, हम एक बार एक एक करके हम पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या होता है, ये जो प्रोसेस होते हैं रॉक को क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, डिजोल्व कर देते हैं उनको एक फाइन प्लास्टिक स्टेट में थ्रू केमिकल रिएक्शन बाय ऑक्सीजन सरफेस और सॉइल वाटर और जो आपके दूसरे एसिड्स होते हैं। फिर क्या होता है, वाटर जो आपका ऑक्सीजन है, वाटर और जो आपकी एयर है, वो आपके अलोंग विद हीट मस्ट बी प्रेजेंट टू स्पीड अप ऑल केमिकल रिएक्शंस, यानी कि वाटर और एयर आपकी होनी चाहिए हीट के साथ साथ, ताकि ये केमिकल रिएक्शंस आपके स्पीड अप हो जाए, वेदरिंग ज्यादा हो। ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो आपका केमिकल वेदरिंग है वो आपकी क्या होता है, सॉल्यूशन से होता है। ये सॉल्यूशन कैसे, किसी भी चीज को किसी में मिक्स कर दिया जाए वाटर में या एसिड में तो वो आपका सॉल्यूशन बन जाता है। यहां देखिए, जब कोई समथिंग इज डिसॉल्व इन द वाटर और एसिड, जब कुछ भी चीजें आपको वाटर और एसिड में डिसॉल्व हो जाती है, तो वाटर और एसिड विद द डिसॉल्व कंटेंट जो चीज उसमें डिसॉल्व हुई है उसके साथ क्या बना लेती है, उसके साथ सॉल्यूशन बना लेती है, उसको हम कहते हैं सॉल्यूशन। यानी कि कुछ हमारे पास रॉक्स होते हैं, रॉक्स के अंदर मिनरल्स होते हैं, अगर वो मिनरल्स हमारे पास सॉल्युबल है किसी एसिड में या किसी वाटर में, और वो मिनरल्स वाटर में या एसिड में सॉल्युबल हो जाते हैं, मतलब क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं उसमें, तो उसको हम उसको क्या कहेंगे, वाटर और उस मिनरल के उसको जो डिसॉल्व हो गया मिनरल उसके साथ हम उसको कहेंगे कि वो सॉल्यूशन हमारा बन गया है। यहां देखिए कई बार क्या होता है, जब हमारे पास रॉक्स के जो मिनरल होते हैं वो हमारे पास कॉन्टेक्ट में आते हैं रॉक्स के, ऑन इनकमिंग कॉन्टेक्ट विद द वाटर मेनी सॉलिड जो आपके रॉक्स के मिनरल्स होते हैं क्या कर जाते हैं, डिसइंटीग्रेट कर जाते हैं एंड मिक्सअप एज अ सस्पेंशन इन द वाटर और सॉल्यूशन बना लेते हैं। यहाँ देखिए कुछ सॉल्युबल रॉक्स हैं आपके, नाइट्रेट, सल्फेट्स एंड पोटेशियम, ये कुछ आपके मिनरल्स हैं जो कि आपके रॉक्स में पाए जाते हैं और ये इस प्रोसेस से इफेक्ट होते हैं, क्या बना लेते हैं, आपका सॉल्यूशन बना लेते हैं। सो सॉल्यूशन जब बन जाता है तो मिनरल्स इजिली लीच आउट हो जाते हैं, यानी कि जो आपका जैसे रेन हुई आपका और रॉक्स आपके सर्फेस पे है, तो क्या होता है, रेन के साथ ही आपका सॉल्यूशन बना लिया, तो क्या होता है, मिनरल्स आपके अर्थ में इंटीरियर में चले जाते हैं और बाहर क्या बचता है, कुछ नहीं, खाली रॉक्स बनते हैं, तो उन रॉक्स को बोलते हैं हम, वो रॉक्स केमिकली डिकम्पोज हो गए और ये क्या होता है, विदाउट लिविंग एनी रेसिड्यू इन द रेनिंग क्लाइमेट्स, मैंने आपको बताया, एंड एक्यूमुलेट इन द ड्राई रीजन, और जहां पे ड्राई रीजन होते हैं वहां पे ये जो मिनरल्स होते हैं वहां पे सॉल्यूशन नहीं बन पाता है, पानी नहीं होता है, तो वहां पे ये आपके सर्फेस पे ही एक्यूमुलेट हो जाते हैं। कुछ आपके मिनरल्स जैसे कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट जो आपके लाइमस्टोन में प्रेजेंट होते हैं, और लाइमस्टोन में ये आपके सॉल्युबल होते हैं वाटर कंटेनिंग, यानी कि कार्बोनिक जो एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड आपका बनता है जो रेन होती है आपका रेन वाटर, उसके अंदर आपकी जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है वो मिक्स हो जाते हैं तो कार्बोनिक एसिड बनता है, और ये जो कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट होते हैं लाइमस्टोन की वेदरिंग होती है जो डिकम्पोज हो जाता है वो आपके कार्बोनिक एसिड के कॉन्टेक्ट में आने की वजह से हो जाता है और सॉल्यूशन बन जाता है और कैरिड अवे इन द वाटर एज सॉल्यूशंस। और उसके बाद जो आपका सोडियम क्लोराइड होता है जिसको हम कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, जो हम खाते हैं, वो भी आपका सॉल्युबल होता है वाटर में, जिस भी रॉक में वो पाया जाता है वो भी आपका अगर वाटर या किसी केमिकल के कॉन्टेक्ट में आ जाता है तो वहां पे भी उस रॉक्स की डिकम्पोजिशन हो जाती है। ये देखिए आपका दूसरा जो प्रोसेस है सॉल्यूशन के बाद वो है आपका कार्बोनेशन। कार्बोनेशन क्या होता है कि जो आपका रिएक्शन होता है कार्बोनेट्स एंड बायकार्बोनेट्स विद मिनरल्स, यानी कार्बोनेट्स और बायकार्बोनेट्स जो आपके रॉक्स में प्रेजेंट होते हैं ऐसे मिनरल्स, उनका जब रिएक्शन होता है आपका वीक एसिड से तो वो आपका होता है कार्बोनेशन। यानी कि देखिए जब आपका ऐसा होगा तो ब्रेक डाउन हो जाता है आपका फ्लैट्स फर और एंड कार्बोनेट मिनरल्स, जिन भी रॉक में आपके फ्लैट्स फर मिनरल पाया जाता है, कार्बोनेट मिनरल पाए जाते हैं, वो वीक एसिड के कॉन्टेक्ट में आने के, यानी कार्बोनिक एसिड के कॉन्टेक्ट में आने पे वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं आपके। कार्बोनिक एसिड मैंने आपको बताया CO2+H2O से मिलकर बनता है, और जो कैल्शियम कार्बोनेट आपके मैग्नीशियम कार्बोनेट है डिसॉल्व हो जाते हैं कार्बोनिक एसिड में और उसके बाद रिमूव हो जाते हैं सॉल्यूशन में विदाउट लीविंग एनी रेसिड्यू रिजल्टिंग इन केव फॉर्मेशन। और ये जब लाइमस्टोन से यहाँ पे ऐसा होता है जो कार्बोनेट और बायकार्बोनेट आयन होते हैं वहां पे वो वीक एसिड के कॉन्टेक्ट में आता है आपका लाइमस्टोन, तो वो क्या कर देता है, वो वहां से आपके जो कार्बोनेट्स को रिमूव कर देता है कार्बोनिक एसिड लाइमस्टोन से और वो केव फॉर्मेशन बन जाती है उसकी लाइमस्टोन की। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपकी लाइमस्टोन की केव दिख रही है आपके यहाँ पे, ये लाइमस्टोन की केव दिख रही है, आपका लाइमस्टोन है और इस लाइमस्टोन में क्या हुआ है, आपका कार्बोनिक एसिड, आपको इस पे कार्बोनिक एसिड इस लाइमस्टोन के साथ रिएक्ट करता है और जो लाइमस्टोन के कार्बोनेट और बायकार्बोनेट मिनरल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो उसके साथ एज अ सॉल्यूशन रिमूव हो जाते हैं, बचता क्या है आपका, फिर ऐसे केव्स फॉर्मेशन हो जाते हैं, जो आपका गैप बचता है यहाँ से आपके जो मिनरल्स थे कार्बोनेट बायकार्बोनेट वो रिमूव हो गए और ये बनती है आपकी लाइमस्टोन की केव्स। अब हमारा थर्ड प्रोसेस है केमिकल में हाइड्रेशन। ये हाइड्रेशन में क्या होता है फ्रेंड्स, हाइड्रेशन मतलब वाटर, यानी कि कुछ भी अगर केमिकल एडिशन, हाइड्रेशन इज द केमिकल एडिशन ऑफ द वाटर, अगर किसी भी मिनरल में आपका, अगर आपका रॉक में वाटर पहुंच जाता है तो मिनरल क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, मिनरल क्या कर लेता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और एक्सपेंड हो जाता है। क्या होता है कि जैसे कैल्शियम सल्फेट है हमारे पास, कैल्शियम सल्फेट अगर वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो किस में टर्न हो जाता है, तो वो जिप्सम बन जाता है, और जो जिप्सम है आपका ज्यादा अनस्टेबल होता है इस कैल्शियम सल्फेट से, और क्या होता है अगर जो अनस्टेबल एलिमेंट होगा वो जल्दी टूटेगा और जिप्सम ऐसे
टूट जाता है। इसमें क्या होता है, कंटिन्यू ऐसे रिपीटेशन होता रहता है इस प्रोसेस का कि वो मिनरल्स एब्जॉर्ब करते रहते हैं वाटर को और एक्सपेंड होते रहते हैं। तो उस एक्सपेंशन की वजह से क्या होता है, इन रॉक्स की डिसइंटीग्रेशन हो जाती है, ये रॉक्स टूट जाते हैं। और जो आपका हाइड्रेशन होता है ये किस चीज में हेल्प करता है, ये आपका जो वॉल्यूम चेंज आता है इन मिनरल्स ड्यू टू हाइड्रेशन, जो वॉल्यूम में चेंज आता है वो उसको हेल्प करता है इन फिजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग में हेल्प करता है थ्रू एक्सफोलिएशन एंड ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन। एक्सफोलिएशन एंड ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन क्या होता है वो भी हम देखेंगे। उसके बाद जो आपका लास्ट प्रोसेस बचता है वो कौन सा बचता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखिए ऑक्सीडेशन से आपको मतलब समझ में आता है, किसी भी अगर मिनरल में आपका किसी भी कोई भी मिनरल आपका ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आता है तो वो ऑक्साइड बन जाता है उसका। एंड रिडक्शन भी देखते हैं इन वेदरिंग। ऑक्सीडेशन मीन्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ मिनरल, अगर कोई भी मिनरल ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आता है तो वो क्या बन जाता है, ऑक्साइड बन जाता है, फिर हाइड्रोक्साइड बन जाता है। उसके बाद क्या होता है, और ये ऑक्सीजन कहां होती है आपकी, जैसे कि ओशन में ऑक्सीजन होती है, वाटर में ऑक्सीजन होती है और एयर में होती है। और क्या होता है इसमें कि कुछ आपको जैसे मिनरल्स देखो जो आयरन है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, इस प्रोसेस में क्या होता है उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है रॉक्स का और वो रॉक्स ब्रेक डाउन कर जाते हैं, अकर्स ड्यू टू डिस्टर्बेंसेस कॉज्ड बाय एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जब हमारे पास ये ऑक्सीडाइज्ड मिनरल आर प्लेस्ड इन एन एनवायरमेंट वेयर ऑक्सीजन इज एब्सेंट, तो उसकी रिडक्शन क्या होती है, जब हमारे पास ऑक्सीडाइज्ड मिनरल को हम ऐसे एनवायरमेंट में रख देते हैं जहां पे कि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती तो क्या हो जाता है, उसकी रिडक्शन हो जाती है। और ऐसे एनवायरमेंट क्या होता है आपका, बिलो द वाटर टेबल, स्टैग्नेंट वाटर। स्टैग्नेंट वाटर में आपको ऑक्सीजन की बहुत कमी होती है, वाटर लॉक ग्राउंड, जहां पे आपका वाटर जमा रह जाता है, वाटर इकट्ठा हो जाता है, वहां पे भी आपको ऑक्सीजन नहीं होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो आपका आयरन होता है, रेड आयरन होता है कलर का, वो रिडक्शन से किस कौन से कलर में टर्न हो जाता है, ग्रीनिश या ब्लूइश कलर में टर्न हो जाता है। और जब ऑक्सीडेशन होती है तो रेड कलर जो होता है आपका आयरन का, ये कौन से टर्न हो जाता है ऑक्सीडेशन से, ब्राउन कलर या फिर येलो कलर में टर्न हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं रस्टिंग। उसके बाद देखिए आपके जो हाइड्रेशन है, कार्बोनेशन है और आपका जो ऑक्सीजन है, ये सारे हैंड इन हैंड चलते हैं, ये सारे की साथ के साथ होते हैं और जो वेदरिंग का प्रोसेस है उसको भी फास्ट कर देते हैं सारे की साथ के साथ मिलके। अब हम पढ़ते हैं फिजिकली वेदरिंग प्रोसेस के, रॉक्स जो हमारे होते हैं वो फिजिकल और मैकेनिकली कैसे डिसइंटीग्रेट होते हैं। यहाँ पे देखिए पहला प्रोसेस है इसका ग्रेविटेशनल फोर्स का। ग्रेविटेशनल फोर्स का मैं आपको बता ही चुका हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स आपका प्रेशर क्रिएट कर देता है, लोड एंड शेयरिंग स्ट्रेसेस ला देता है, उसकी वजह से मटेरियल ब्रेक हो जाता है। उसके बाद है एक्सपेंशन आपका, एक्सपेंशन होती है आपकी टेम्परेचर की वजह से या फिर क्रिस्टल ग्रोथ और एनिमल एक्टिविटी की वजह से। फिर दूसरा होता है आपका वाटर प्रेशर, जो कि आपका कंट्रोल होता है वेटिंग एंड ड्राइंग अल्टरनेटिवली। और जो आपकी बहुत सारी वेदरिंग होती है वो किस वजह से होती है, वो आपका वेदरिंग प्रोसेस आर कॉज्ड बाय थर्मल एक्सपेंशन एंड प्रेशर रिलीज। ये थर्मल एक्सपेंशन और प्रेशर रिलीज भी देख लेंगे हम क्या होता है। सबसे पहला देखते हैं फिजिकल प्रोसेस में अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन। ये अनलोडिंग और एक्सपेंशन क्या होता है, इसमें क्या होता है, रिमूवल ऑफ ओवरलाइंग रॉक लॉट बिकॉज ऑफ कंटिन्यूड इरोजन कॉजेस वर्टिकल प्रेशर रिलीज विद इन द रिजल्ट दैट अपर लेयर्स ऑफ द रॉक एक्सपेंड प्रोड्यूसिंग डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक मासेस। फ्रेंड्स ये ध्यान से सुनिए, यहां पे क्या होता है, आपका कोई रॉक है और उस आपका कोई रॉक है अर्थ के सरफेस में, यानी कि वो रॉक अभी अर्थ के अंदर है और उसके ऊपर भी कुछ अर्थ का मटेरियल है, उसके ऊपर भी बहुत सारे कुछ रॉक्स पड़े हैं। जब ऊपर वाले जो रॉक्स हैं उस रॉक के जो नीचे वाला रॉक है उसके ऊपर वाले जो रॉक्स हैं उनकी वेदरिंग हो जाती है और वो जो वेदरिंग होती है जब वो रॉक्स ऊपर वाले रॉक्स फ्रेगमेंट्स में आपके टूट जाते हैं, पीसेस में ब्रेक हो जाते हैं, तो क्या होता है, जो आपके जियोमॉर्फिक एजेंट्स होते हैं उस वेदर्ड मटेरियल को, सेडिमेंट्स को, रॉक के फ्रेगमेंट्स को वहां से रिमूव कर देते हैं। जब वो रिमूव करते हैं तो जो नीचे वाला रॉक होता है वो अर्थ के एटमोसफेयर में क्या हो जाता है, एक्सपोज हो जाता है, मतलब आ जाता है। और जो उस अंदर वाले रॉक के ऊपर जो रॉक्स थे अब वो हट गए वहां से, तो क्या होता है, जो ओवरलाइंग रॉक्स थे जो हट गए उनका जो प्रेशर था उस नीचे वाले रॉक के ऊपर वो प्रेशर रिलीज हो जाता है। इस प्रेशर के रिलीज होने की वजह से ये अनलोडिंग कहते हैं हम इसे, और इस प्रेशर के रिलीज होने की वजह से जो नीचे वाला रॉक है उसकी जो आउटर लेयर्स होती है वो क्या हो जाती है, एक्सपेंड हो जाती है और इसे कहते हैं एक्सपेंशन। उस एक्सपेंशन की वजह से क्या होता है, वो जो आउटर लेयर होती है उस रॉक की, नीचे वाले रॉक की, वो क्या हो जाती है, वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है, रॉक मास क्या कर जाता है, डिसइंटीग्रेट कर जाता है, इसको बोलते हैं अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन। उसके बाद क्या होता है, जो फ्रैक्चर्स उसमें डेवलप हो जाते हैं रफली पैरेलल टू द ग्राउंड सरफेस, जब वो आउटर लेयर होती है नीचे वाले रॉक की उसके एक्सपोज होने पे, प्रेशर रिलीज होने पे, प्रेशर रिलीज हो जाता है तो वो आउटर लेयर होती है नीचे वाले रॉक की वो एक्सपेंड होती है, उसके एक्सपेंड होने की वजह से फ्रैक्चर्स उसमें, यानी कि वो जो लेयर होती है आउटर लेयर वो टूट जाती है, डेवलप हो जाते हैं पैरेलल टू द ग्राउंड सरफेस इन एरियाज ऑफ द कर्व्ड ग्राउंड सरफेस। ये कहां पे होता है, कर्व्ड ग्राउंड सरफेस जहां पे होते हैं आर्च फीचर्स होते हैं, मैसिव शीट्स और एक्सफोलिएशन स्लैब्स ऑफ रॉक होता है। क्या होता है, बहुत सारे हमारे पास मैसिव शीट्स बन जाती है और उसको बोलते हैं एक्सफोलिएशन, लार्ज स्मूथ राउंडेड डोम्स बनते हैं उनको बोलते हैं एक्सफोलिएशन डोम्स। ये देखिए ऐसे, ये जो आपको फिगर दिख रही है यहां पे, ऐसे आपके क्या बनते हैं, ऐसे डोम्स बनते हैं, इनको एक्सफोलिएशन डोम्स बनते हैं क्योंकि जो इनके ऊपर वाली लेयर है वो आपकी रिमूव हो गई है क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंशन हुआ था, वर्टिकल जो प्रेशर था ऊपर का उसके हटने की वजह से। फ्रेंड्स इस वाली फिगर में देखिए, ये हमारे पास अनलोडिंग और एक्सपेंशन की वजह से हुआ, ऊपर वाले रॉक्स हट गए, प्रेशर रिलीज हो गया और ये लेयर है जो आउटर लेयर होती है रॉक्स की वो एक्सपेंड हो गई है। और ये देखिए शीट की थिकनेस देखिए, बहुत ज्यादा थिकनेस है और काफी बड़ी बड़ी शीट्स है और यहाँ पे एक राउंडेड डोम टाइप का सर्फेस बनता है, यानी कि स्मूथ सर्फेस बनता है और ये जो वाली आपकी शीट्स है ये आपकी इसमें डिसइंटीग्रेट हो जाती है और फ्रैक्चर हो जाती है पैरेलल टू द ग्राउंड सर्फेस।
ये देखिए हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं टेम्परेचर चेंज एंड एक्सपेंशन। इस टेम्परेचर चेंज एंड एक्सपेंशन में क्या होता है, बस आप सुनिए, एक्सपेंशन होती है कॉन्ट्रेक्शन होती है। जैसे कि कहीं डायरनल चेंजेस, ये देखिए आपके डायरनल चेंजेस क्या होते हैं आपके टेम्परेचर में। डायरनल चेंजेस मतलब आपका जो दिन होता है पूरे 24 घंटे का, दिन में आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, जैसे कि आपके डेजर्ट्स में दिन में टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, रात में एकदम कूलिंग हो जाती है, टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। तो जब टेम्परेचर ज्यादा होता है उसकी वजह से एक्सपेंशन हो जाती है रॉक्स की, और जब टेम्परेचर कम होता है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, कॉन्ट्रेक्शन हो जाती है। आपके जो मिनरल्स है वो एक्सपेंड करते हैं जब टेम्परेचर ज्यादा होता है, और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जब आपका टेम्परेचर कम होता है। तो ऐसे ही चलता रहता है, बहुत लंबा प्रोसेस है, ऐसे ही चलता रहता है, कंटिन्यू होता रहता है। तो उसकी वजह से रॉक्स में स्ट्रेसेस आते हैं, और रॉक्स क्या हो जाते हैं आपके, ब्रेक हो जाते हैं। ये होता है आपका टेम्परेचर चेंज एंड एक्सपेंशन। ऐसा होता है आपके जहां पे ड्राई क्लाइमेट्स होते हैं आपका, ये देखिए ऐसा जहां पे होता है, मैंने आपको बताया ये ड्राई क्लाइमेट्स होंगे, डेजर्ट्स वाला बताया था, हाई टेम्परेचर होगा, एलिवेशन ड्यू टू टेम्परेचर ड्रास्टिक, कंटिन्यू होता रहता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रेस आ जाती है और वो फ्रैक्चर हो जाता है पैरेलल टू द सर्फेस। इसमें क्या होता है, ड्यू टू डिफरेंशियल हीटिंग एंड रिजल्टिंग एक्सपेंशन और कॉन्ट्रेक्शन होती रहती है, उसकी वजह से क्या होता है, एक्सफोलिएशन हो जाती है उनकी, एक्सफोलिएशन हो जाती है फ्रॉम द सर्फेस, और वो किसमें रिजल्ट करते हैं, स्मूथ राउंडेड सर्फेस इन रॉक्स। ये होता है जैसे कि रॉक्स लाइक ग्रेनाइट्स, और उसमें क्या होता है, जो ग्रेनाइट रॉक होते हैं स्मूथ सर्फेस आता है इसकी वजह से, एंड राउंडेड आपका जो राउंडेड स्मॉल टू बिग बोल्डर्स बनते हैं, यानी कि बोल्डर्स मतलब रॉक होते हैं, और जो राउंडेड स्मॉल टू बिग बोल्डर्स बनते हैं उनको हम कहते हैं टॉर्स। क्या बोलते हैं उनको हम फ्रेंड्स, टॉर्स। वो किसकी वजह से बनते हैं, एक्सफोलिएशन की वजह से। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स हमारे पास फ्रीजिंग थॉइंग एंड वेजिंग। फ्रीजिंग थॉइंग का मतलब क्या होता है, ये आपको जो मैंने आपको आपको दिखाया था, बहुत ज्यादा कोल्ड एरियाज होते हैं, पोल्स के पास जो एरियाज होते हैं वहां पे क्या होता है, वहां पे भी रॉक्स होते हैं। अगर उन रॉक्स में, ये देखिए, अगर उन रॉक्स में ऐसे क्रैक्स होते हैं, किसी भी रॉक में अगर क्रैक्स होंगे आपके, ये आपके क्रैक्स है रॉक्स में, या अगर इनमें रॉक्स में क्रैक्स होंगे तो इनमें वाटर भर जाता है, और जब वहां टेम्परेचर रात को बहुत ज्यादा होता है, जब वाटर इनमें फिल हो गया है तो वो आइस बन जाता है। वाटर क्या बन जाएगा, आइस। और जब वाटर आइस बनता है तो आपको पता ही है वाटर की वॉल्यूम से, जो आइस की वॉल्यूम वो ज्यादा होती है, आइस की वॉल्यूम एक्सपेंड करती है, तो जब आइस बनता है तो वो एक्सपेंड कर गया, उस एक्सपेंशन की वजह से ऐसे ये कंटिन्यूअस होता रहता है, फिर दिन आता है फिर वो वाटर बन जाता है, फिर रात आती है फिर वो क्या हो जाता है, आइस बन जाती है आपकी, और आइस आपकी वॉल्यूम ज्यादा होती है, आइस की एक्सपेंड करती है, उसी एक्सपेंशन की वजह से वो क्या होता है, जॉइंट और क्रैक्स को इफेक्ट करता है, और स्मॉल इंटरग्रेनुलर फ्रैक्चर हो जाता है, तो उसके वॉइडर वो ज्यादा बढ़ते रहते हैं, और बढ़ते बढ़ते ऐसे ही हमारे पास रॉक टूट जाता है। देखिए अब ये सॉल्ट वेदरिंग में क्या होता है, जिस जो भी हमारे पास मिनरल्स होते हैं, जो भी हमारे पास रॉक्स होते हैं, अगर उन रॉक्स में मिनरल्स है हमारे पास कुछ सॉल्ट्स, सॉल्ट्स इन रॉक्स एक्सपेंड ड्यू टू थर्मल एक्शंस, हाइड्रेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। ये जो सॉल्ट होता है रॉक में अगर प्रेजेंट होता है मिनरल की फॉर्म में, तो उससे क्या होता है कि हमारे पास एक्सपेंड कर जाता है, किसकी वजह से, अगर आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है उसकी वजह से एक्सपेंड कर जाएगा, पानी आ गया तो पानी एब्जॉर्ब कर लेगा और एक्सपेंड कर जाएगा, क्रिस्टलाइजेशन की वजह से भी एक्सपेंड कर जाता है। जैसे कि हाई टेम्परेचर है आपका 30 से 50 के बीच में, ये आपके डेजर्ट्स में होते हैं या फिर बहुत सारे रीजंस में होते हैं, तो वहां अगर रॉक्स में आपके सॉल्ट्स होते हैं तो वो उसको मतलब हाई टेम्परेचर की वजह से या फिर पानी आ जाता है उनमें एक्सपेंड कर जाएंगे, और धीरे धीरे ऐसे कर करके उस रॉक को ब्रेक कर देते हैं एक्सपेंशन की वजह से। और इस सॉल्ट वेदरिंग में क्या होता है आपका, कैसे रॉक ब्रेक होते हैं, ब्रेक होते हैं ग्रेन्यूलर डिसइंटीग्रेशन होती है या फिर ग्रेन्यूलर फॉलिएशन होती है। यहाँ इस फिगर में देखिए आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं ग्रेन्यूलर डिसइंटीग्रेशन या फिर ग्रेन्यूलर फॉलिएशन। ये आपके ग्रेन्यूल्स हैं छोटे छोटे, इनका क्या हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, या फिर जो इनकी ऊपर की लेयर है वो आपकी अलग हो जाती है और स्मूथ राउंडेड सर्फेस में आपके कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद बोलते हैं जो सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन है, इन सॉल्ट वेदरिंग प्रोसेस में सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ से आपके कौन कौन से रॉक्स ब्रेक होते हैं, चॉक ब्रेक होता है सबसे ज्यादा, फिर आपका लाइम स्टोन, देन आपकी सैंडस्टोन, सेल, नीस एंड ग्रेनाइट भी इससे प्रोसेस से ब्रेक होते हैं। देखिए फ्रेंड्स अब हम आपका लास्ट कर रहे हैं वेदरिंग का, बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड वेदरिंग। ये क्या होता है, इसमें कुछ आपके जो मिनरल्स होते हैं ना एंड आयंस फॉर्म वेदरिंग एनवायरमेंट एंड फिजिकल चेंजेस ड्यू टू ग्रोथ ऑफ, ये क्या बना लेते हैं आपके, ये आपके रिमूवल मिनरल्स का रिमूव होता है और आयंस फॉर्म हो जाते हैं उस वेदरिंग एनवायरमेंट में फिजिकल चेंजेस की वजह से। कैसे, ग्रोथ और मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, या तो वहां ऑर्गेनिज्म कोई ग्रो कर गया है या फिर उसकी मूवमेंट की वजह से। जैसे कि रैट्स जो आपके होते हैं, रोडेंट्स होते हैं, टर्माइट्स होते हैं, वो आपका क्या कर देते हैं, धरती में बोरिंग कर देते हैं, यानी कि अर्थ में रॉक्स में छेद कर देते हैं। उस रॉक्स और छेद की वजह से वो वहां पे ज्यादा आपका पानी जा सकता है, उस रॉक में केमिकल एंटर कर सकता है, और वो रॉक्स एक्सपोज हो जाते हैं केमिकल्स के लिए, पानी के लिए, उसके अटैक के लिए, और रॉक्स क्या हो जाते हैं हमारे पास, ब्रेक हो जाते हैं। ऐसे ही वेजिंग बाय ऑर्गेनिजम्स, और ये कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं आपके, अर्थवॉर्म्स, टर्माइट्स, रोडेंट्स, जो इसमें हेल्प करते हैं, आपका मॉइस्चर चला जाता है, पानी चला जाता है, रॉक्स ब्रेक हो जाते हैं। ह्यूमन बींग्स देखना, ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं आपका, कल्टीवेट करते हैं, प्लग करते हैं, हल चलाते हैं, कल्टीवेट करते हैं सॉइल को, वो क्या हेल्प करते हैं, वो मिक्स करवा देते हैं, क्रिएट न्यू कॉन्टेक्ट बिटवीन एयर। जब वो सॉइल आपका ऊपर, जब हल चलाते हैं तो नीचे वाला सॉइल होता है जो अर्थ में, वो ऊपर आ जाता है और ऊपर वाला सॉइल नीचे चला जाता है, तो वो सॉइल आपके एयर के कॉन्टेक्ट में आ जाता है, और वहां पे क्या होता है, वाटर और मिनरल्स जो आपके मिनरल्स होते हैं सॉइल में, वो क्या हो जाते हैं, वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, या फिर वाटर के कॉन्टेक्ट में आता है तो वो मिनरल्स तब भी क्या करते रहते हैं आपके, डिजोल्व हो जाते हैं उसमें, और ऐसे इनकी वेदरिंग होती है। फिर आपका जो डिकेइंग प्लांट और एनिमल मैटर होता है वो आपका क्या हेल्प करता है, वो आपका प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमिक कार्बोनिक एसिड या फिर और दूसरे जो एसिड्स होते हैं उनको एनहेंस कर देते हैं,
देता है, वो प्रोडक्शन करता है इन एसिड्स की, और जो एसिड्स होते हैं फिर इन डिकेइंग प्लांट और एनिमल्स की वजह से जो एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं वो आपके डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स में हेल्प कराते हैं। फिर आपकी है कुछ प्लांट रूट्स, जब आपका प्लांट बढ़ता है तो आपकी रूट्स भी अंदर जमीन में बढ़ती है, और वो प्लांट रूट्स क्या करती है, अंदर जाएंगी आपका कोई भी अगर रॉक है या कुछ भी आपका मटेरियल है अर्थ में जहां वो रूट्स जाती है वो उन रूट्स की वजह से ब्रेक हो जाता है, इतनी ज्यादा इनमें फोर्स होती है। फ्रेंड्स ये देखिए स्पेशल इफेक्ट्स ऑफ वेदरिंग है एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि क्या होता है, फिजिकल वेदरिंग होती है, अनलोडिंग होती है, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन होती है, सॉल्ट वेदरिंग, उन सब की वजह से होता है। फ्लेकिंग ऑफ मोर और लेस कर्व्ड शीट्स ऑफ शेल्स, ये क्या होता है, फ्लेकिंग ऑफ मतलब यानी कि जो आपकी शीट्स होती है वो निकल जाती है, वो टूट जाती है, उससे रॉक से ब्रेक हो जाती है। ऑफ मोर और लेस यानी कि वो मोर और लेस कर्व्ड शीट्स होती है, शेल्स होती है फ्रॉम ओवर रॉक और बेड रॉक रिजल्ट, और वो कैसा आपका सरफेस बनाती है, स्मूथ एंड राउंड सरफेस बनाती है, उसको बोलते हैं हम एक्सफोलिएशन। और जैसा कि आपको यहां फिगर में दिख रहा है ये स्मूथ एंड राउंडेड सरफेस है, ठीक है, आपकी जो ओवर जो यहां पे शीट्स थी वो क्या हो गई है, रिमूव हो गई है, डिसइंटीग्रेट हो गई है, वो शीट्स निकल गई है, एक्सफोलिएट कर गई है, तो अब स्मूथ राउंडेड सरफेस बनता है, उसको हम बोलते हैं एक्सफोलिएशन या फिर ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन। अब हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ वेदरिंग। सबसे पहला जो सिग्निफिकेंस है वेदरिंग का वो क्या है, इस पैराग्राफ में देखिए बताते हैं जो वेदरिंग प्रोसेस है आपको रॉक्स को स्मॉलर पीसेस में ब्रेक करते हैं, स्मॉलर स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में ब्रेक करती है और प्रिपेयर करती है उसको रेगोलिथ बनने के लिए, नॉट ओनली रेगोलिथ बट सॉइल। और जब ये रॉक्स ब्रेक होते हैं छोटे छोटे पीसेस में, सेडिमेंट्स में ट्रांसपोर्ट होते हैं एक से दूसरी जगह, और उसके बाद जब ऐसे ही हजारों साल का प्रोसेस चलता रहता है तो वो रॉक्स के जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं आपके रेगोलिथ में और सॉइल में। और आपको पता ही है हमारे पास जो सॉइल होता है वो वहां पे सारी वेजिटेशन और आपके जो फॉरेस्ट होते हैं वो आपके सॉइल पे डिपेंड होता है। जितनी ज्यादा वेदरिंग होगी यानी कि जितनी ज्यादा आपकी सॉइल की लेयर होगी अर्थ के अंदर, जितनी ज्यादा वेदरिंग मेंटल होगी उतना ही आपका अच्छा फॉरेस्ट होगा, वहां पे वेजिटेशन होगी। और आपको पता है जैसे कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेशन हम डिफरेंट डिफरेंट सॉइल्स में उगाते हैं। उसके बाद जो वेदरिंग है आपका एड करती है, अगर मान लीजिए आपका वेदरिंग होगी नहीं, सेकंड चीज देखिए यहाँ पे आपका वेदरिंग अगर होगी ही नहीं, कोई रॉक आपका टूटता ही नहीं है छोटे छोटे पीसेस में, तो आपका इरोजन कैसे होगा, आपका इरोजन होता है वहां से उसको रिमूव करना पाए जियोमॉर्फिक एजेंट्स, अगर आपकी वेदरिंग ही नहीं होगी तो आपका इरोजन भी नहीं हो पाएगा। और वेदरिंग एड करती है आपके मास वेस्टिंग को, यानी कि जैसे आपके मास मूवमेंट्स होती है बहुत बड़ी बड़ी लैंडस्लाइड्स वगैरह, अगर आपकी वेदरिंग होगी इस वजह से आपकी लैंडस्लाइड्स भी होती है, इरोजन को एंड रिडक्शन ऑफ रिलीफ एंड चेंजेस इन लैंडफॉर्म्स आर अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इरोजन। और जो आपके रिलीफ फीचर्स होते हैं हमारे पास उसको जो रिडक्शन होती है, हाइट रिड्यूस होती है और चेंजेस आते हैं लैंडफॉर्म्स में, वो आपका इरोजन का ही कॉन्सिक्वेंस होते हैं, और इरोजन जो होगा आपका हमेशा वेदरिंग की वजह से होता है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं जो कि आपके नेशनल इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है, उन मिनरल्स को बेच के हमारे पास बहुत सारा पैसा आता है। यहाँ देखिए वेदरिंग ऑफ रॉक्स, जब ये रॉक्स की वेदरिंग होती है और डिपॉजिट होता है वो, उसके बाद इरोजन होता है, डिपोजिशन होता है, तो वो हेल्प्स इन एनरिचमेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ सर्टन वैल्यूएबल ओर्स। तो वो क्या करता है, कुछ ओर्स होती है उनकी एनरिचमेंट कराता है और उनकी कंसंट्रेशन जो होती है ना मिनरल्स की वो बढ़ा देता है, ऑफ सर्टन वैल्यूएबल ओर्स जैसे कि आयरन है आपका, मैग्नीज है, एल्युमिनियम और कॉपर है, ये सब इंपॉर्टेंट है आपके मिनरल्स नेशनल इकोनॉमी के लिए। इसकी वजह से क्या होता है आपका कुछ रॉक्स की वेदरिंग होती है, मान लीजिए रॉक्स हैं आपके, उस रॉक्स में आपके मिनरल्स प्रेजेंट है जैसे कि आयरन है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एंड कॉपर है, जब उस रॉक की वेदरिंग होगी तो जो आपके जो अनइंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं यानी कि आयरन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और कॉपर के साथ भी कुछ आपके और भी अलग मिनरल्स हैं जो आपके उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उस रॉक की वेदरिंग होगी और जब वो अनइंपॉर्टेंट मिनरल्स होंगे ना, वो वेदरिंग के साथ साथ वो अनइंपॉर्टेंट मिनरल्स क्या होंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे कई बार पानी में और वो आपके बह जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे वहां से, तो आपका क्या बचेगा, खाली आपके ऐसे मिनरल्स बचेंगे आपके वैल्यूएबल आयरन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कॉपर की तरह या मिनरल्स आपके बहुत सारी क्वांटिटी में बनेंगे, इसको हम बोलते हैं एनरिचमेंट बोलते हैं इसको। और उसके बाद क्या होगा, जब हम उन मिनरल्स की क्या करेंगे, माइनिंग करेंगे, उनको वहां से निकालेंगे, तो हमारे पास वैल्यूएबल भी होगा, इकोनॉमिकली वायबल भी होगा और ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे। तो वेदरिंग इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, ये सब हम पढ़ चुके हैं। यहां देखिए एनरिचमेंट क्या होता है हम देख लेते हैं एक बार, जब कोई हमारे पास रॉक्स की वेदरिंग होती है सब मटेरियल्स आर रिमूव, कुछ मटेरियल उसमें रिमूव हो जाते हैं थ्रू केमिकल और फिजिकल लीचिंग, मैंने आपको बताया केमिकल सॉल्यूशन से आपके और या फिर फिजिकल लीचिंग से कुछ जो मटेरियल्स होते हैं आपके रॉक की वेदरिंग के बाद क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं बाय ग्राउंड वाटर, एंड देयर बाय जो कंसंट्रेशन होती है रिमूव जो रिमेनिंग मटेरियल्स की वो इंक्रीज हो जाती है। क्या होता है, जो हमारे पास जो और मिनरल बच जाते हैं जो रिमूव नहीं हुए हैं उनकी जो कंसंट्रेशन होगी उस रॉक में उस एरिया में वो इंक्रीज हो जाएगी विदाउट सच अ वेदरिंग टेकिंग प्लेस, अगर ऐसी वेदरिंग नहीं होगी, कंसंट्रेशन एक मिनरल की जो इंपॉर्टेंट मिनरल है आपका जिसकी नेशनल इकोनॉमी में बहुत ज्यादा वैल्यू है उसकी कंसंट्रेशन इस वजह से इंक्रीज नहीं होगी तो क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ द सेम वैल्यूएबल मिनरल मे नॉट बी सफिशिएंट एंड इकोनॉमिकली वायबल टू एक्सप्लॉइट। अगर वहां पे बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट रहेंगे वो मिनरल्स अगर आपके रिमूव नहीं होंगे
तो जो आपका इंपॉर्टेंट मिनरल है अगर हम उसको खोदेंगे निकालेंगे तो वो आपकी इकोनॉमिकली वायबल नहीं होगा, उसमें बहुत पैसे लग जाएंगे उसको निकालने में, ठीक है, तो और उसको रिफाइन नहीं कर पाएंगे, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम एनरिचमेंट। तो एनरिचमेंट किसकी वजह से होती है, वेदरिंग ही पॉसिबल बना पाती है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं वेदरिंग, इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं उसके साथ कुछ आपके बहुत सारे और भी मिनरल्स होते हैं, वेदरिंग क्या करती है उस जो अनइंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं उनको वहां से रिमूव कर देते हैं थ्रू फिजिकल वेदरिंग या फिर केमिकल वेदरिंग, और जो आपका वहां बचता है वो जो बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल बचता है जो कि आपकी नेशनल इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, जब हम उसे खोदते हैं एक्सप्लॉइट करते हैं निकालते हैं रिफाइन करते हैं तो हमारे पास इकोनॉमिकली वायबल पड़ता है, उतना ज्यादा महंगा नहीं पड़ता है, इसको बोलते हैं एनरिचमेंट। फ्रेंड्स ये था हमारे पास सिक्स्थ लेक्चर का फर्स्ट पार्ट, नेक्स्ट लेक्चर में हम लेके आएंगे आपके लिए इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट। तो चलिए होप करता हूं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और आपको ये पसंद आता है तो आप इसको लेक्चर को समझ आया है तो प्लीज शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट सेकंड में इसी चैप्टर के। तो चलिए तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। फ्रेंड्स अब देखते हैं मास मूवमेंट क्या होता है। ये जो मास मूवमेंट होती है, दीज मूवमेंट ट्रांसफर्स द मास ऑफ द रॉक, ये किसका मास होता है, रॉक डेब्रिस का मास होता है, आपके अर्थ के मटेरियल का मास होता है, डाउन द स्लोप, उसको अपर स्लोप से लोअर स्लोप तक लेके आती है अंडर द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। और सबसे मेन कॉम्पोनेंट क्या है यहाँ पे, ये किसकी वजह से होती है, मेन फोर्स क्या है पीछे इसके, ग्रेविटी है। यहाँ देखिए जो मूवमेंट्स होती है हमारे पास मास वाली में रेंज फ्रॉम स्लो टू रैपिड, स्लो से रैपिड तक हो सकती है। ग्रेविटी अपनी फोर्स जो लगाती है वो सारे मैटर पर लगाती है, बोथ बेड रॉक और जो आपका वेदर्ड मटेरियल है उस पर भी लगाती है। इसलिए कहते हैं कि जो हमारे पास वेदरिंग है इज नॉट अ प्री रिक्वेस्ट फॉर मास मूवमेंट, दो इट एड्स मास मूवमेंट। वेदरिंग जरूरी नहीं है हमारे पास मास मूवमेंट के लिए, बट अगर वहां पे वेदरिंग हुई हुई है तो वो आपकी मास मूवमेंट में हेल्प जरूर करती है। मास मूवमेंट्स आर वेरी एक्टिव ओवर वेदर्ड स्लोप्स रेदर देन ओवर अनवेदर्ड स्लोप्स। मास मूवमेंट ज्यादा एक्टिव होती है आपके जहां पे वेदरिंग हुई हुई होती है उन स्लोप्स पे। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स जो आपकी मास मूवमेंट्स होती हैं वो एडेड बाय ग्रेविटी एंड नो जियोमॉर्फिक एजेंट, कोई भी जियोमॉर्फिक एजेंट जैसे कि आपके रनिंग वाटर है, ग्लेशियर है, विंड्स है, वेव्स, करंट है, पार्टिसिपेट नहीं करता इस प्रोसेस ऑफ मास मूवमेंट के। यानी कि इसका मतलब है कि जो मास मूवमेंट है डू नॉट कम अंडर इरोजन, की इरोजन के अंदर नहीं आती है मास मूवमेंट्स। उसके बाद देखिए हम कहते हैं आपका हमारे पास कुछ कॉजेज हैं जो हमारे पास मास मूवमेंट को ज्यादा एक्टिवेट कराते हैं या फिर मास मूवमेंट में हेल्प कराते हैं, जैसे कि रिमूवल ऑफ सपोर्ट फ्रॉम बिलो टू मटेरियल्स, अगर रिमूव ही हो जाती है वो सपोर्ट जिस मटेरियल्स को सपोर्ट है तो मास मूवमेंट हमारे पास ज्यादा होगी। इंक्रीज इन ग्रेडियंट, अगर हमारे पास जो स्लोप है स्टीप हो जाता है जेंटल से या फिर हाइट जो है स्लोप की वो बढ़ जाती है बिल्कुल खड़ी हाइट हो जाती है तो वहां पे मास मूवमेंट ज्यादा होगी। ओवरलोडिंग थ्रू एडिशन ऑफ मटेरियल्स, अगर वहां पे कोई मटेरियल ज्यादा ऐड हो जाते हैं स्लोप पे तो वहां पे भी मास मूवमेंट होगी। ओवरलोडिंग ड्यू टू हैवी रेनफॉल सैचुरेशन एंड लुब्रिकेशन ऑफ स्लोप मटेरियल्स, यानी कि वहां बहुत ज्यादा रेनफॉल हो गई है और वो रेनफॉल आपके जो अर्थ का मटेरियल है वहां पे सॉइल है उसने एब्जॉर्ब कर लिया है जिससे कि वजह से वो हैवी हो जाता है और वो नीचे खिसक जाता है। रिमूवल ऑफ मटेरियल और लोड फ्रॉम ओवर द ओरिजिनल स्लोप सरफेस, उसके बाद अक्रेंस ऑफ अर्थक्वेक्स, अगर वहां पे अर्थक्वेक्स हो गया है तो अर्थक्वेक्स की वजह से जो वाइब्रेशन होंगी उस रीजन में उसकी वजह से जो स्लोप होगा आपका वेदर्ड हो जाएगा और रॉक्स टूटेंगे और नीचे आ जाएंगे। उसके बाद एक्सप्लोजन और मशीनरी, आपके जो मैनमेड प्रोसेस है इनकी वजह से भी वाइब्रेशन होती है। एक्सेसिव नेचुरल सीपेज, अगर वहां पे कोई जो आपकी स्लोप है स्लोप में अगर आपका बहुत ज्यादा पानी चला जाता है तो वो हैवी हो जाता है और उसकी वजह से भी सैचुरेट हो जाता है और फिर नीचे आ जाता है वो सब अर्थ मटेरियल। हैवी ड्रॉडाउन ऑफ वाटर फ्रॉम लेक्स रिजर्वॉयर्स एंड रिवर्स, अगर आपका लेक से बहुत सारा पानी वहां चला जाए रिजर्वॉयर से चला जाए तो भी आपकी मास मूवमेंट ज्यादा तेज हो जाएगी। फिर होता है आपका इनडिस्क्रिमिनेट रिमूवल ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, अगर आप पेड़ पौधे काट देते हैं जो पेड़ों की आपकी जड़ें होती हैं रूट्स होती हैं वो आपके सॉइल के पार्टिकल्स को नीचे जाके अर्थ में बाइंड करके रखती हैं, अगर वो पेड़ वेड़ आप काट देंगे तो वो बाइंड नहीं हो पाएंगे अच्छे सॉइल के पार्टिकल्स और जैसे ही वहां थोड़ी सी बारिश वारिश होगी वो उसके साथ नीचे आ जाएंगे। जो हमारे पास मास मूवमेंट्स होती हैं वो दो टाइप्स में होती हैं, एक तो होती है आपकी स्लो मूवमेंट, एक होती है आपकी रैपिड मूवमेंट। तो चलिए पहले जो स्लो मूवमेंट है वो हमारे पास क्रीप है। क्रीप क्या है, क्रीप हमारे पास मॉडरेटली स्टीप स्लोप्स पे होती है हमारे पास, और जो हमारे पास सॉइल कवर्ड स्लोप्स होते हैं ना वहीं पे आपको क्रीप देखने को मिलेगी। ये क्या है, मूवमेंट ऑफ मटेरियल इज एक्सट्रीमली स्लो। अब जो हमारे पास जो क्रीप में जो सॉइल डेब्रिस आएगी या फिर रॉक डेब्रिस आएगी नीचे स्लोप से वो इतनी स्लो मूवमेंट होती है इसकी कि हम उसे अपनी आंखों से नोटिस नहीं कर पाते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि जो हिल्स पे आपके टेलीफोन पोस्ट होते हैं, टेलीफोन के खंबे होते हैं या फिर और भी जो आपकी फेंस होती हैं वो आपके अगर आप टेलीफोन खंबे लगाओगे या फेंस लगाओगे तो आप बिल्कुल सीधी लगाते हो वर्टिकली टू द ग्राउंड, ऐसे लगाते हो 90 डिग्री पे। लेकिन वो जब ये सॉइल क्रीप होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, वो जो टेलीफोन फोन्स होते हैं के खंबे होते हैं वो अपना बिल्कुल सीधे होते हैं वर्टिकली खड़े होते हैं तो उसकी क्रीप की वजह से वो झुक जाते हैं एक तरफ में, यानी कि लीन हो जाते हैं, वर्टिकल पोजिशन छोड़ देते हैं अपनी और लीनियर अलाइनमेंट में आ जाते हैं कि झुक जाते हैं आपकी ग्राउंड के तरफ इस क्रीप की वजह से। फिर डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ साइज एंड टाइप ऑफ मटेरियल, बहुत सारी हमारे पास क्रीप्स हैं जैसे कि सॉइल क्रीप है, टेलस है, रॉक है एंड रॉक ग्लेशियर क्रीप है।
उसके बाद आता है फ्रेंड्स आपका सेकंड जो है स्लो मूवमेंट्स में, वो है आपका सॉलिफ्लक्शन। ये सॉलिफ्लक्शन क्या होता है, ये इन्वॉल्व करता है स्लो डाउन स्लो फ्लोइंग सॉइल मास और फाइन ग्रेन रॉक डेब्रिस सैचुरेटेड और लुब्रिकेटेड विद वाटर। ये आपका कहां पे होता है, ऐसा मॉइस्ट टेम्परेट एरियाज पे, जहां पे आपके टेम्परेट एरियाज है बहुत कोल्ड एरियाज है, और वो एरियाज कैसे है मॉइस्ट है क्योंकि वहां पे वाटर अवेलेबल है, वेयर सर्फेस मेल्टिंग ऑफ, वहां पे क्या होता है कि मॉइस्ट जो एरिया टेम्परेट एरियाज होते हैं वहां पे आपकी आइस जम जाती है सर्फेस पे, या फिर बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से जब वो आइस मेल्ट करेगी आपकी सर्फेस की तो आइस का पानी बन जाएगा। तो जब स्लोप्स होंगे वहां वो क्या होता है, आइस का पानी उन स्लोप्स के अंदर चला जाता है, यानी कि जो उसकी लेयर होती है ना ऊपर वाली, उसमें जो स्लोप का पानी होगा वो पूरा सैचुरेट कर लेगा उस लेयर को, या फिर जो आपकी बारिश होती है उसकी वजह से भी ऐसा होता है कि लेयर पूरी सैचुरेट हो जाती है। व्हेन द अपर पोर्शंस गेट सैचुरेटेड एंड व्हेन द लोअर पार्ट्स आर इंपरवियस, जो ऊपर वाली लेयर है सॉइल की जो स्लोप पे वो आपकी सैचुरेट हो जाएगी, पानी में हो जाएगी लिक्विड की तरह, और जो आपकी नीचे वाली लेयर है वो आपकी इंपरवियस है, वहां पानी जाता ही नहीं है, तो नीचे वाली लेयर सॉलिड की तरह एक्ट करेगी और ऊपर वाली लेयर उस नीचे वाली लेयर पे फ्लो कर जाएगी पूरा लिक्विड के साथ, रॉक डेब्रिस और सॉइल के साथ। इसको बोलते हैं सॉलिफ्लक्शन। सॉलिफ्लक्शन को बोलते हैं फ्लो ऑफ लिक्विड, यानी कि सॉइल एज अ लिक्विड फ्लो करता है। फिर फ्रेंड्स उसके बाद आपकी आती हैं कुछ रैपिड मूवमेंट्स। रैपिड मूवमेंट्स आपकी मोस्टली कहाँ होती है, ये मोस्टली प्रिवेलेंट इन ह्यूमिड क्लाइमेटिक रीजंस, जहाँ पे आपके जेंटल टू स्टीप स्लोप्स मिलते हैं। सबसे पहला है आपका अर्थ फ्लो। अर्थ फ्लो क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर सैचुरेटेड क्लेई और सिल्टी अर्थ मटेरियल डाउन लो एंगल टेरेसेस और हिल स्लाइड्स इज नोन एज अर्थ फ्लो। जो आपकी हिल स्लाइड्स होती हैं या फिर आपकी बहुत ही लो एंगल टेरेसेस होती हैं, ये अर्थ फ्लो आपका वहां होता है। अर्थ फ्लो में क्या होता है, जैसे कि आपका जो पानी है वो आपके जो स्लोप पे जो मटेरियल है उसके अंदर चला गया है और वो उसे सैचुरेट हो गया है, वो सेमी सॉलिड या सेमी लिक्विड की तरह एक्ट करता है और नीचे आ जाता है, उसको बोलते हैं हम अर्थ फ्लो। अर्थ फ्लो कोई इतनी ज्यादा नहीं होती है, इसकी क्वांटिटी जो होती है वो कम होती है थोड़ी। अब है आपका मड फ्लो। देखिए आपके मड फ्लो में क्या होता है, मड फ्लो में भी आपका पानी जो होता है ना, यहाँ देखिए एब्सेंस ऑफ वेजिटेशन कवर विद हैवी रेनफॉल, बहुत ज्यादा रेनफॉल हुई, थिक लेयर्स ऑफ वेदर्ड जो मटेरियल है, बहुत ज्यादा जो वेदर्ड मटेरियल पर है उसकी थिक लेयर्स हैं, उसमें क्या होता है उसमें पानी चला जाता है और वो पानी से बिल्कुल सैचुरेट हो जाता है, यानी कि लिक्विड बन जाता है। ये जब सॉइल और जो मड होती है ना और उसमें जो जो फाइन फाइन डेब्रिस होती है रॉक की, छोटे छोटे पीसेज होते हैं, वो बिल्कुल पानी में तैरने लगते हैं विद वाटर एंड आइदर स्लोली और रैपिडली फ्लो डाउन अलॉन्ग डेफिनेट चैनल्स, और ये आपकी एक स्ट्रीम की तरह आती है, रिवर की तरह आती है ऑफ मड विद इन अ वैली। जैसे कोई रिवर है उसमें से कैसे आएगी, उसमें ऐसे फ्लो करती है एक स्ट्रीम की तरह, कैसे फ्लो करती है, एक स्ट्रीम की तरह फ्लो करती है। और जब ये मड फ्लो जो होता है एमर्ज आउट ऑफ चैनल्स, जब इस चैनल से नीचे आता है और प्लेन्स पे आता है, पिडमोंट या फिर प्लेन्स पे आता है, तो इतना डिस्ट्रक्टिव होता है कि आपके रोड्स को, ब्रिजेस को और हाउसेस को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देता है। ये मड फ्लो आपका कहां फ्रीक्वेंटली अकर करता है, ऑन स्लोप्स ऑफ इरप्टिंग और रिसेंटली इरप्टेड वॉल्केनोज, जो आपके वॉल्केनोज होते हैं तो उसके स्लोप पे भी आपका ये मड फ्लो होता है, क्योंकि वहां पे जो वॉल्केनो की आपकी इरप्ट हुआ है या फिर अभी इरप्ट कर रहा है, तो वॉल्केनिक जो इरप्शन के बाद ऐश आती है, वहां पे कुछ डस्ट भी है, वॉल्केनिक ऐश या डस्ट भी और कुछ फ्रेगमेंट्स भी होते हैं रॉक के, तो वो क्या होते हैं वहां पे बारिश होने के कारण से वो भी आपके क्या हो जाता है, एक मड की तरह फ्लो करते हैं ऐश वगैरह मिक्स करके, ड्यू टू हैवी रेन्स एंड फ्लो डाउन एज टंग और स्ट्रीम्स ऑफ मड कॉजिंग ग्रेट डिस्ट्रक्शन टू ह्यूमन हैबिटेशन। ऐसे ही वॉल्केनिक स्लोप से भी ऐसी टंग की फॉर्म में फ्लो करते हैं नीचे। आपका मड फ्लो का आपको मैं, मड फ्लो जो होती है आपका बहुत ही हैवी डिस्ट्रक्शन कॉज करती है, अर्थ फ्लो से ज्यादा लार्जर फ्लो होता है मड फ्लो का, और उसका एग्जाम्पल देता हूं मैं, जो आपके उत्तराखंड में डिजास्टर्स आए थे वो आपका मड फ्लो का एग्जाम्पल है। फ्रेंड्स फिर हैं आपके एवलेंची। एवलेंची होते हैं आपके, एक तरह से आपका देखा होगा आपके स्नो एवलेंची आप ज्यादा सुनते हैं, तो स्नो एवलेंची होता है जब हमारे पास बर्फ खिसक जाती है या कोई चीज खिसक जाती है, ये इसको बोलते हैं हम डेब्रिस एवलेंची। ये कहां पे होता है, आपके ह्यूमिड रीजन में होता है विद और विदाउट वेजिटेशन कवर एंड अकर्स इन नैरो ट्रैक्स ऑन स्टीप स्लोप्स, जो बहुत ज्यादा स्टीप स्लोप्स आपके स्टीप्स होते हैं, ये आपका बहुत ज्यादा स्लोप क्या है, स्टीप है, बहुत ज्यादा क्या है आपका हाइट ज्यादा है इस स्लोप के और स्टीप स्लोप होता है, स्टीप स्लोप से आपके एवलेंची होते हैं। दिस डेब्रिस एवलेंची कैन बी मच फास्टर देन द मड फ्लो, और ये डेब्रिस एवलेंची बहुत ज्यादा फास्ट भी हो सकते हैं मड फ्लो से आपके। डेब्रिस एवलेंची जो आपका होता है वो सिमिलर होता है स्नो एवलेंची से। इस फिगर में देखिए फ्रेंड्स, ये आपको डेब्रिस एवलेंची दिख रहा है, यहाँ पे जो रॉक की आपकी डेब्रिस होती है, कोई यहाँ पानी वानी इसमें ज्यादा होता नहीं है, लेकिन खाली एक चैनल से रॉक की डेब्रिस आपकी खिसक जाती है, इसको बोलते हैं हम डेब्रिस एवलेंची। और स्नो एवलेंची वो होती है जहाँ पे ग्लेशियर्स होते हैं, आपके पहाड़ों पर बर्फ होती है, और वो जो बर्फ होती है वो भी एक आपके नैरो चैनल से, देखिए एक चैनल है ना, वो भी आप ऐसे चैनल से खिसक जाती है, तो उसको बोलते हैं हम बर्फ का खिसकना, यानी कि स्नो एवलेंची।
इसके बाद हम पढ़ेंगे लैंडस्लाइड्स, ये भी आपकी रैपिड मूवमेंट्स में आता है। लैंडस्लाइड्स क्या होती है, ये आपकी रिलेटिवली रैपिड होती है एंड परसेप्टिबल मूवमेंट्स होती है जिनको हम आराम से मतलब देख सकते हैं। और रिलेटिवली क्या होती है, रैपिड तेज मूवमेंट्स होती है। द मटेरियल्स इन्वॉल्व्ड आर रिलेटिवली ड्राई। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि वाटर आता है, वाटर हमारे पास सॉइल को सैचुरेट कर देता है, रॉक डेब्रिस को सैचुरेट कर देता है और फिर वो एज अ लिक्विड या फिर एज अ सेमी सॉलिड फ्लो करते हैं, जैसे कि मड फ्लो में, अर्थ फ्लो में हमने पढ़ा था, ठीक है। अभी जो हमारे पास लैंडस्लाइड्स होती है ये क्या होता है, ये इन्वॉल्व करती है हमारे पास रिलेटिवली ड्राई मटेरियल, इतनी ज्यादा सैचुरेशन नहीं होती है यहाँ पे वेदर्ड मटेरियल की। और ये हमारे पास लैंडस्लाइड्स क्यों होती है, क्योंकि डिसकॉन्टिन्यूटीज होती है हमारे पास रॉक में और वो रॉक टूट जाते हैं, उसकी वजह से वो रॉक नीचे आ जाते हैं। फिर डिग्री ऑफ वेदरिंग की, वहां पे कितनी वेदरिंग हुई हुई है उस वो भी आपका डिपेंड करता है आपका कि लैंडस्लाइड कैसी होगी। स्टीपनेस ऑफ द स्लोप, ज्यादा स्टीप होगा तो ज्यादा अच्छी लैंडस्लाइड होगी, ज्यादा तेज होगी। जेंटल स्लोप होगा तो कम तेज लैंडस्लाइड होगी। डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ द मटेरियल, हमने लैंडस्लाइड्स को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है हमारे पास स्लंप। स्लंप क्या होता है, स्लिपिंग ऑफ वन और सेवरल यूनिट्स ऑफ रॉक डेब्रिस। इसमें बहुत सारी रॉक डेब्रिस, वन एक या फिर एक ज्यादा रॉक डेब्रिस आपकी स्लिप करती है विद अ बैकवर्ड रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू द स्लोप ओवर विच द मूवमेंट टेक प्लेस। इसमें मेन चीज क्या है, स्लंप में हमारे पास बैकवर्ड रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू द स्लोप, ये जो आपकी रॉक यूनिट्स है ये आपकी स्लिप करती है। यहां पे इस फिगर में देखिए, पहले जो आपको आपकी डॉटेड लाइन दिख रही है ये देखिए, ये इनिशियली जो ये चीज है ना आपका, ये ऊपर था, ये पूरा ऐसे था, स्लंप बना हुआ था, यानी कि ये इसने पूरा जो आपका अभी ये खाली हो गया यहां से पोर्शन, इसने इस वाले जो पोर्शन है जो आपका नीचे स्लंप है, आपका नीचे खिसक गया है, उसने पूरा ऑक्यूपाई कर रखा था ऐसे। अब ये देखिए, अब ये नीचे खिसक गया है तो इसने यहां पर खाली जगह कर दिया, इसको बोलते हैं हम बैकवर्ड रोटेशन में जाता है। और कौन सी रोटेशन में जाता है, बैकवर्ड रोटेशन, और इसको हम क्या बोलते हैं, स्लंप बोलते हैं इसको, स्लंप बॉडी शोइंग बैकवर्ड रोटेशन ऑफ मटेरियल। इनिशियल जो पोजिशन स्लोप की वो क्या हो गई है, अब वो आपका और कर्व हो गया, स्लोप क्या हो गया, और कर्व स्लोप हो गया, ये यहां से हट जाएगा और नीचे चला जाएगा, इसको हम बोलते हैं स्लंप। फ्रेंड्स यहां देखिए, उसके बाद फिर हमारे पास है डेब्रिस स्लाइड। ये डेब्रिस स्लाइड आपकी क्या होती है, रैपिड रोलिंग और स्लाइडिंग। रैपिड याद रखना, रैपिड रोलिंग और स्लाइडिंग ऑफ अर्थ डेब्रिस। अगर अर्थ डेब्रिस जो हमारे पास रैपिड रोल होकर नीचे आ जाती है, फिर स्लाइड करके नीचे आ जाती है विदाउट बैकवर्ड रोटेशन, उसको बोलते हैं हम डेब्रिस स्लाइड। फिर हमारे पास एक और है, हमारे पास क्या है, रॉक स्लाइड। रॉक स्लाइड क्या होता है, जहां पे आप देखिए डेब्रिस जो फॉल होता है इज नियरली अ फ्री फॉल ऑफ द अर्थ डेब्रिस फ्रॉम अ वर्टिकल और ओवर हैंगिंग फेस। यहां पे जो स्लोप होता है वो बिल्कुल आपका वर्टिकल होता है और जो आपकी जो अर्थ की डेब्रिस होती है ये बिल्कुल आपकी नीचे ऐसे गिर जाती है, फ्री फॉल होता है, ठीक है। इसमें कोई स्लाइड वगैरह की कोई ज्यादा नहीं होती है। उसके बाद देखिए आपकी रॉक स्लाइड क्या होती है, स्लाइडिंग ऑफ इंडिविजुअल रॉक्स मासेस डाउन बेडिंग जॉइंट और फॉल्ट सर्फेसिस, वो होती है आपकी रॉक स्लाइड। रॉक स्लाइड में क्या होता है आपका, जैसे स्लोप हुआ है यहां पे कोई रॉक है वो किसी भी वजह से टूट गया आपका, फॉल्ट की वजह से, तो वो रॉक क्या आ जाएगा, नीचे डायरेक्ट आपका फॉल कर जाएगा, उसको बोलते हैं रॉक स्लाइड, यानी कि इंडिविजुअल रॉक्स का नीचे फॉल कर। देखिए अब जो हिमालयाज है हमारे पास, हिमालयाज क्या है हमारे पास, हमारी कंट्री में भी डेब्रिस एवलांचे होते हैं, लैंडस्लाइड्स होती हैं फ्रीक्वेंटली। कहां पे होती है, हिमालयाज में होती है। ऐसा क्यों होता है कि हिमालयाज में ये सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड्स वगैरह डेब्रिस एवलांचे वगैरह ज्यादा होते हैं, क्योंकि हिमालयाज जो हमारे पास टेक्टोनिकली एक्टिव है, यानी कि जैसे हिमालयाज बने थे, जो हमारे पास दो प्लेट्स के कन्वर्जन से हिमालयाज बने हैं, आज वो प्लेट कन्वर्ज कर रही है, यानी कि एक प्लेट ऊपर राइज हो रही है, एक प्लेट नीचे सबडक्ट हो रही है, और आज भी हमारे हिमालयाज का राइज हो रहा है, इसलिए टेक्टोनिकली एक्टिव है। और हिमालयाज जो हमारे पास बने हुए सेडिमेंट्री रॉक से एंड अनकंसोलिडेटेड एंड सेमी कंसोलिडेटेड डिपॉजिट से बने हुए हैं, इसकी वजह से वो रॉक्स और जो अर्थ की डेब्रिस होती है वो वहां से जल्दी टूट जाती है, और वो जो स्लोप्स हैं आपकी हिमालयाज की हाइट बहुत ज्यादा है, स्टीप स्लोप्स हैं, और वो रॉक की डेब्रिस वगैरह टूट के नीचे आ जाती हैं। स्लोप्स क्या हैं, बहुत स्टीप्स हैं। उसके बाद देखते हैं कि जो हमारे पास नीलगिरीज है, हमारे पास कर्नाटका में वेस्टर्न घाट्स हैं, हमारे पास तमिलनाडु में, साउथ के जो स्टेट में नीलगिरीज और वेस्टर्न घाट्स हैं, ये आपके टेक्टोनिकली स्टेबल भी हैं। यहाँ पे रॉक्स क्या है, हार्ड भी है, हिमालयाज की तरह सॉफ्ट भी नहीं है, फिर भी यहाँ एवलांचे और आपका जो डेब्रिस एवलांचे और लैंडस्लाइड होती है वो क्यों होती है, उसका रीजन भी हम देख लेते हैं कि ऐसा क्या होता है। यहां देखिए जो हमारे पास कुछ स्लोप्स है, मैनी स्लोप्स आर स्टीपर विद ऑलमोस्ट वर्टिकल क्लिफ्स, यानी कि जो यहां पे कुछ वेस्टर्न घाट्स और नीलगिरीज में जो कुछ स्लोप्स हैं वो बिल्कुल आपके वर्टिकल हैं, और यहां स्लोप से क्या होता है, अगर कभी कुछ टूट जाता है और उसके बाद क्या होता है, एस्कार्पमेंट्स इन द वेस्टर्न घाट्स एंड नीलगिरीज वो बहुत ही स्टीपर स्लोप्स हैं, वर्टिकल हैं बिल्कुल। उसके बाद मैकेनिकल वेदरिंग होती है यहां पे ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेस एंड दे रिसीव हैवी अमाउंट ऑफ रेनफॉल ओवर शॉर्ट पीरियड्स, तो उसमें क्या होता है ऑलमोस्ट देयर इज डायरेक्ट कि उसमें क्या होता है, देयर इज डायरेक्ट क्या हो जाता है, फॉल हो जाता है आपके रॉक्स का इस टेम्परेचर की वजह से, जो आपकी मैकेनिकली वेदरिंग होती है। देखिए फ्रेंड्स, आपकी जो मैकेनिकली वेदरिंग होती है और आपका क्या होता है, मैकेनिकली वेदरिंग के साथ आपका एक चीज और होती है, जो इनके आपके स्टीप स्लोप है बहुत ज्यादा स्टीप है, रेनफॉल भी बहुत ज्यादा पड़ जाती है इनके छोटे पीरियड में, तो उसकी वजह से क्या होता है ऑलमोस्ट डायरेक्ट रॉक फॉल होता है और लैंडस्लाइड्स और एवलांचेस आते हैं यहां पे। ये रीजन है वहां पे टेक्टोनिकली स्टेबल और हार्ड रॉक्स होने के बावजूद भी, क्योंकि वहां स्लोप्स जो है बहुत ज्यादा स्टीप्स हैं आपके, ऑलमोस्ट वर्टिकल है।
उसके बाद आपका जो टॉपिक है हम करते हैं इरोजन एंड डिपोजिशन में। इरोजन जो इन्वॉल्व करता है आपका एक्विजिशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉक डेब्रिस, यानी कि जो रॉक की जो डेब्रिस होती है, जो वेदर्ड हो गया मेटेरियल, उसको रिमूव करता है वहां से और उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है। बाय इरोजन रिलीफ डिग्रेड्स, यानी कि जो हमारे पास कोई भी रिलीफ होती है जैसे माउंटेन्स, उसकी हाइट लोअर हो जाती है एंड लैंडस्केप इज वॉर्न आउट, यानी कि वो डिग्रेडेशन हो जाती है उसकी। दैट मीन्स दो वेदरिंग एड्स, दो जो वेदरिंग है हमारे पास वो एड्स करती है इरोजन को। फ्रेंड्स यहाँ देखिए, जो आपके वेदरिंग होता है, वेदरिंग से इरोजन होता है आपका, ठीक है, वेदरिंग के बाद इरोजन होता है। बट ऐसा कुछ नहीं है कि जो वेदरिंग है हमारे पास वो कोई प्री कंडीशन है फॉर इरोजन के लिए, यानी कि अगर वेदरिंग होगी तो ही इरोजन होगा, ऐसा कुछ है नहीं। इरोजन होने के लिए वेदरिंग की जरूरत नहीं है, इरोजन अपने आप भी हो सकता है। और यहाँ देखिए, इरोजन दैट इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल, ये आपका ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है इरोजन आपका, जो कंटिन्यूअस चेंजेस हो रहे हैं हमारे पास अर्थ के सर्फेस पे उसके लिए। इरोजन जो और ट्रांसपोर्टेशन वो होती है जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी से कंट्रोल्ड होती है। यहाँ देखिए, हमारे पास जो विंड है, रनिंग वाटर है और आपका ग्लेशियर है, पहले तीन एजेंट है हमारे पास जो आपका इरोजन में हेल्प करते हैं। ये आपके जो पहले तीन एजेंट है, ये क्लाइमेटिक कंडीशंस इनको कंट्रोल करती हैं और ये आपके तीनों मैटर में, गैशियस, लिक्विड एंड सॉलिड में है। उसके बाद आपको पता ही है फ्रेंड्स, आपने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा होगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे एम मास ऑफ द मटेरियल होता है, वी वेलोसिटी ऑफ द वेलोसिटी होती है आपकी। तो एनर्जी जितनी हमारे पास लगेगी अवेलेबल टू परफॉर्म वर्क विल डिपेंड अपॉन मास ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करेगा और वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा जिससे वो मूव कर रहा है। तो ग्लेशियर जो हमारे पास मूव करते हैं एट वेरी लो वेलोसिटी, बहुत लो वेलोसिटी में ग्लेशियर मूव करते हैं, बट जो उनका मास होता है वो ट्रेमेंडस होता है। एम क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। आर मोर इफेक्टिव एज द एजेंट्स ऑफ इरोजन एंड विंड बीइंग इन गैशियस स्टेट इज लेस इफेक्टिव, क्योंकि जो विंड का मास होता है वो बहुत कम होगा, ग्लेशियर्स का मास बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ग्लेशियर जो हमारे पास होते हैं इरोजन में ज्यादा इफेक्टिव होते हैं क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी वहां ज्यादा हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं जो हमारे पास दो और जियोमॉर्फिक एजेंट्स बचे हैं, यानी कि वेव्स हैं हमारे पास, ग्राउंड वाटर है, वो कैसे काम करती है, क्योंकि क्लाइमेट इनको कंट्रोल नहीं करता है। जो वेव्स होती है वो हमारे पास इंटरफेस पे काम करती हैं, आपके लिथोस्फेयर पे और आपके हाइड्रोस्फेयर पे, यानी कि पानी और लैंड के जहां पे इंटरफेस होता है वहां पे, कोस्टल रीजन्स पे काम करती हैं वेव्स। तो वेव्स का कौन वर्क डिटरमाइन करेगा, वेव्स का डिटरमाइन करेगा लिथोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ द रीजन। उसके बाद हमारे पास होता है डिपोजिशन, डिपोजिशन इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इरोजन। जब हमारे पास कोई मेटेरियल वेदर होगा उसका इरोजन होगा, इरोजन यानी कि मतलब है जियोमॉर्फिक एजेंट उसे वहां से रिमूव करेंगे, जैसे कि आपका विंड हो गया, वाटर हो गया, आइस हो गया, आपका रेन हो गया, उसे वहां से रिमूव करेंगे वेदर मटेरियल को और एक जगह लोअर सरफेस पे ले जाके उसे डिपॉजिट कर देंगे। और फ्रेंड्स यहां देखिए, जो हमारे पास कोर्सर मटेरियल होता है, ये देखिए जो हमारे पास बड़ा वाला मटेरियल होता है वो गेट डिपॉजिटेड फर्स्ट एंड फाइनल वंस लेटर होता है। जो हमारे पास बड़े बड़े मटेरियल हमारे पास ट्रांसपोर्ट करा रहे होते हैं एजेंट, बड़े वाले मटेरियल्स आपके पहले आपके रेस्ट पे आ जाते हैं, पहले डिपॉजिट हो जाते हैं, और जो फाइनल मटेरियल्स होते हैं वो वेलोसिटी की वजह से थोड़ी देर में रेस्ट में आते हैं, तो इसलिए वो जो हमारे पास बड़े मटेरियल के बाद आपके फाइनल मटेरियल्स मिलते हैं आपको। उसके बाद देखते हैं हम सॉइल फॉर्मेशन। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सॉइल फॉर्मेशन देखेंगे, सॉइल और उसके कंटेंट पढ़ेंगे, सॉइल फॉर्मेशन कैसे होती है, सॉइल क्या होता है। अगर हम सॉइल को डिफाइन करने लगे तो सॉइल क्या होगा, डिफाइन करो तो सॉइल एज अ कलेक्शन ऑफ नेचुरल बॉडीज। सॉइल किसका कलेक्शन है, नेचुरल बॉडीज का, ऑन अर्थ सरफेस, जो अर्थ के सरफेस में नेचुरल बॉडीज है उनका कलेक्शन है, कंटेनिंग लिविंग और डेड मैटर, उसमें लिविंग मैटर भी हो सकता है, डेड मैटर भी हो सकता है, एंड सपोर्टिंग और केपेबल ऑफ सपोर्टिंग प्लांट्स। और ये हमारे पास प्लांट्स को सपोर्ट करता है सॉइल, क्योंकि प्लांट्स को न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है, वाटर सप्लाई करता है। सॉइल क्या है आपका, सॉइल आपका एक डायनामिक मीडियम है, याद रखना सॉइल आपका डायनामिक मीडियम है, चेंज होता रहता है, डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट रीजंस में आपको डिफरेंट डिफरेंट सॉइल मिलेंगे, और अगर वहां पे कोई भी क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज होती है किसी भी रीजन में तो सॉइल उसको उस क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेता है। इन विच मेनी केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज गो कॉन्स्टेंटली, सॉइल में केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज साथ की साथ में चलती रहती है। ये आपका मीडियम ऑफ ग्रोथ, मीडियम फॉर ग्रोथ है। यहां पर हम आपके बहुत डिफरेंट टाइप्स के फॉरेस्ट होते हैं सॉइल में, डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप्स भी उगाते हैं। यहां देखिए, अल्टरनेटिवली कोल्ड एंड वार्म और ड्राई एंड मॉइस्ट, ये आपका सॉइल क्या हो सकता है, अल्टरनेटिवली कोल्ड हो सकता है, वार्म हो सकता है, ड्राई एंड मॉइस्ट अकॉर्डिंग टू द सीजन। जैसे हमारे पास सीजन्स फ्लक्चुएट करते हैं वैसे ही हमारे पास सॉइल भी उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता है। बायोलॉजिकली एक्टिविटी स्लोड और स्टॉप्ड इफ सॉइल बिकम्स टू कोल्ड और टू ड्राई। अगर हमारे पास सॉइल बहुत ज्यादा कोल्ड हो जाता है, बहुत ज्यादा सूख जाता है, तो उसमें जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती है एनिमल्स और प्लांट वाली, वो उसमें क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। और मैंने जैसा आपको बताया है कि सॉइल जो हमारे पास है एडजस्ट कर लेता है क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से। सॉइल बिकम्स एडजस्टेड टू द कंडीशंस ऑफ द क्लाइमेट, लैंडफॉर्म एंड वेजिटेशन एंड विल चेंज इंटरनली व्हेन दीज कंट्रोलिंग कंडीशंस चेंज। और सॉइल अपने आप खुद को इंटरनली चेंज कर लेता है जब ये जो कंडीशंस है आपकी, लैंडफॉर्म, वेजिटेशन और कंडीशन ऑफ क्लाइमेट है, जब ये चेंज करती है। हम देखते हैं हमारे पास क्या प्रोसेस है सॉइल बनाने का। सॉइल फॉर्मेशन को बोलते हैं हम पेडोजेनेसिस। पेडोजेनेसिस क्या है हमारे पास, प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। ये सबसे पहले डिपेंड करता है आपका वेदरिंग पे, कि जो हमारे पास वेदरिंग मेंटल है, यानी कि डेप्थ ऑफ वेदरिंग है वो कितनी है।
फ्रेंड्स जितनी ज्यादा आपकी वेदरिंग मेंटल होगी उतना ही अच्छा आपका सॉइल बनेगा, ठीक है। तो फर्स्ट द वेदर्ड मटेरियल और ट्रांसपोर्टेड डिपॉजिट्स आर कॉलोनाइज्ड बाय बैक्टीरिया। इसमें क्या होता है, जो कि हमारे पास जो आपके सेडिमेंट्स होते हैं वो कहीं से लाए गए होते हैं, ट्रांसपोर्ट करके लाए गए होते हैं, या फिर जो वेदर्ड मटेरियल होता है वहां पे वो किस कौन कॉलोनाइज करता है उनको, बैक्टीरिया या फिर और दूसरी जो इन्फीरियर प्लांट बॉडीज होती हैं लाइक मोसिस एंड लिचन्स, वो उस मटेरियल को, वेदर्ड मटेरियल को क्या कर लेती हैं, कॉलोनाइज कर लेती हैं। और ये मोसिस और जो लिचन्स होती हैं कई बार अपने आप को वेदर्ड मटेरियल पर कॉलोनाइज कर लेती है, रॉक पे कॉलोनाइज कर लेती है और रॉक्स को ब्रेक भी करा देती है, क्योंकि जो इनकी रूट्स होती है वो रॉक्स के अंदर तक जाती हैं और वो उसको एक्सपेंशन की वजह से ब्रेक भी करा देती है। फिर हम क्या करते हैं यहां पे कि द डेड रिमेन्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, जो ऑर्गेनिजम्स जैसे मर जाते हैं इनके जो डेड रिमेन्स है और प्लांट्स के हेल्प इन ह्यूमस एक्यूमुलेशन, उनकी वजह से हमारा ह्यूमस बनता है। माइनर ग्रासेस एंड फर्न्स मे ग्रो, बहुत छोटी छोटी जो ग्रासेस होती है, फर्न्स होते हैं हमारे पास प्लांट्स, ये ग्रो कर जाते हैं। लेटर बुशेस एंड ट्रीज विल स्टार्ट ग्रोइंग, उसके बाद हमारे पास बुशेस और जो बड़े बड़े ट्रीज हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं ग्रो करना। कैसे स्टार्ट होते हैं, जो आपकी सीड्स होती हैं ब्रॉट इन बाय बर्ड्स एंड विंड्स, हमारे पास बर्ड्स जो होते हैं और विंड होती है वो कुछ वहां पे सीड्स लेके आती है हवा के साथ और वो सीड्स वहां गिर देती है और उस सीड्स की वजह से आपके पेड़ और पौधे वहां उगने लगते हैं। प्लांट्स रूट जो पेनिट्रेट करती है डाउन आपकी नीचे आपका जो बेडरॉक होता है, आपका जो रॉक होता है, सॉइल जो वेदर्ड मेंटल होती है, सॉइल जिसका बना होता है, प्लांट रूट्स वहां पेनिट्रेट करती हैं। कुछ आपके जो एनिमल्स हैं जो आपके सॉइल को क्या करते हैं, बरो कर देते हैं, यानी कि उसमें छेद कर देते हैं, ब्रिंग अप पार्टिकल्स, मास ऑफ मटेरियल्स बिकम पोरस एंड स्पंजी, और जो आपका रॉक होता है वो आपका पोरस और स्पंजी हो जाता है, विद अ कैपेसिटी टू रिटेन वाटर एंड टू परमिट द पैसेज ऑफ एयर एंड फाइनली अ मैच्योर सॉइल। यानी कि अब वहां क्या होता है, अब उसमें जब वो आपका पोरस हो गया है सॉइल, तो उसमें आपकी एयर है वो अंदर आ जा अच्छे से सकती है, यानी कि एरिएशन अच्छा होगा, उसमें वाटर भी मॉइस्चर भी रिटेन करेगा वो, तो और आपका क्या होता है, ऐसे ही आपका मैच्योर सॉइल डेवलप होता है। अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ मिनरल एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट फॉर्म्स, ये होता है आपका मैच्योर सॉइल। फ्रेंड्स पेडोलॉजी आपकी क्या है, पेडोलॉजी आपकी स्टडी ऑफ सॉइल, यानी कि जिस साइंस से हम सॉइल की स्टडी करते हैं उसको पेडोलॉजी बोलते हैं। सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स क्या है हमारे पास, बेसिकली हमारे पास चार फैक्टर्स है। पहला है पेरेंट मटेरियल, यानी कि पेरेंट रॉक जिससे हमारे पास सॉइल बनता है। टोपोग्राफी है कि वहाँ की कंडीशंस कैसी है, हिली एरिया है, कोस्टल एरिया है, प्लेन्स है, क्या कंडीशंस है वहाँ की। थर्ड है आपका क्लाइमेट की क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी है, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन वगैरह, ये सब मायने रखता है, ह्यूमिडिटी। फोर्थ है आपकी बायोलॉजिकल कंडीशंस की, कौन कौन से आपके वहाँ पे एनिमल्स हैं, आपके रोडेंट्स हैं, अर्थवॉर्म्स हैं, ये सब बायोलॉजी कंडीशंस होती हैं। पांचवी होती है आपका टाइम, कि जितना ज्यादा टाइम लेगा कोई सॉइल बनने में उतना ज्यादा वो मैच्योर सॉइल होगा। पहले कंडीशन जो हम पढ़ते हैं पेरेंट मटेरियल पढ़ते हैं, ये आपका एक पैसिव कंट्रोल फैक्टर है आपका, और जहां पे जो पेरेंट मटेरियल जो होता है, वेदर होता है, वो आपका इन सीटू या फिर ऑन साइट होता है। जहां पे आपका रॉक मिलता है, पेरेंट रॉक मिलता है, वहीं पे ये वेदरिंग होती है, इसको बोलते हैं इन सीटू या फिर ऑन साइट। वहां पे वेदर्ड रॉक डेब्रिस आपको मिलती है या फिर ट्रांसपोर्टेड डिपॉजिट्स, कुछ आपके जो एजेंट्स होते हैं आपके, जैसे वाटर है, विंड है, आपकी रिवर है, वो कुछ सेडिमेंट्स को या सॉइल को वहां से सॉइल सेडिमेंट्स को ट्रांसपोर्ट करके उस जगह पे ले आती है, तो वो सॉइल फॉर्म होता है वैसे। और जो सॉइल होता है वो किस पे डिपेंड करता है, उसके टेक्सचर पे डिपेंड करता है। किसके टेक्सचर पे, जो साइज ऑफ द डेब्रिस होता है, डेब्रिस का साइज होता है उस पे डिपेंड करता है। उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है उस पे डिपेंड करता है। स्ट्रक्चर का मतलब होता है डिस्पोजिशन ऑफ इंडिविजुअल ग्रेन्स पार्टिकल्स ऑफ डेब्रिस, जो हमारे पास डेब्रिस के इंडिविजुअल ग्रेन्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उसकी कैसी डिस्पोजिशन है, तो वो उसका स्ट्रक्चर होता है। एज वेल एज जो मिनरल्स और केमिकल कॉम्पोजिशन उस रॉक जो वेदर हुआ है, वो रॉक डेब्रिस है या डिपॉजिट्स है, उनकी मिनरल कॉम्पोजिशन क्या है, कौन कौन से मिनरल्स प्रेजेंट है, क्या केमिकल कॉम्पोजिशन है, उस सब पे वो हमारे पास टेक्सचर पे, स्ट्रक्चर पे और मिनरल एंड केमिकल कंपोजिशन पे हमारे पास जो सॉइल होता है वो डिपेंड करता है। फिर नेचर एंड रेट ऑफ वेदरिंग पे भी ये डिपेंड करता है, कि कैसा नेचर है वेदरिंग का, कैसी वेदरिंग हो रही है, फिजिकल है, केमिकल है, बायोलॉजिकल है, और उस वेदरिंग का रेट क्या है, जल्दी हो रही है, लेट हो रही है। एंड डेप्थ ऑफ वेदरिंग मेंटल, कितनी वेदरिंग मेंटल की डेप्थ है, उस पर भी हमारे पास सॉइल का डिपेंड करता है। इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन अंडर पेरेंट मटीरियल, उसके बाद हम देखते हैं डिफरेंसिस इन सॉइल ओवर सिमिलर बेडरॉक्स एंड दिस सिमिलर बेडरॉक्स मे हैव सिमिलर सॉइल्स अबव देम। अगर आपका कहीं पे सॉइल, दो जगह पे सॉइल है, एक जगह अलग सॉइल है, एक जगह अलग सॉइल है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वहां जो नीचे बेडरॉक है वो सिमिलर भी हो सकता है, क्योंकि अगर नीचे बेडरॉक सिमिलर है और मान लो किसी ने आपको वो जो सॉइल, जो अलग अलग सॉइल बने हैं सेम बेडरॉक्स के नीचे, वहां पे ऐसा भी तो हो सकता है कि वो जो सॉइल डेब्रिस है आपकी, जहां पे अलग सॉइल बना है, नीचे बेडरॉक अलग है, वो कहीं से ट्रांसपोर्ट हो गया, वहां पे आ गई, वहां पे जमा हो गई और उसका सॉइल बन गया, इसी वजह से वो बेडरॉक से डिफर कर रही है। फ्रेंड्स जो सॉइल आपका होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, ये देखिए, वो मीडियम सर्व करता है मीडियम फॉर प्लांट ग्रोथ, उसके बाद वाटर स्टोर करता है वो हमारे पास, पोर्स होते हैं उसमें, सप्लाई एंड प्यूरिफिकेशन भी करता है वाटर की, मॉडिफायर है आपके अर्थ का एटमॉस्फेयर का, और हैबिटेट है आपके ऑर्गेनिजम्स के लिए।
फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए यार, मैं आपको सॉइल्स की लेयर दिखा रहा हूँ। जैसे जैसे हमारे पास सॉइल बनता है, लेयर दिखाता हूँ। ये देखिए जो आपको सबसे ऊपर वाली लेयर दिख रही है, यहाँ पे आपका होता है फाइन ग्रेन मटेरियल। जैसे आपको ये दिख रहे हैं, फाइन ग्रेन सॉइल होता है आपका, ये सबसे फाइन ग्रेन सॉइल होता है सबसे ऊपर की लेयर का। और यहाँ पे आपके प्लांट्स ग्रो करते हैं और उनकी जो रूट्स हैं वो इसमें नीचे आती हैं। फिर जो आपको बी वाली लेयर दिख रही है ना फ्रेंड्स, ये देखिए आपको जो बी वाली लेयर दिख रही है, इसको हम बोलते हैं रेगोलिथ। क्या बोलते हैं इसको? रेगोलिथ। रेगोलिथ क्या होता है? आपका पूरी तरह से वेदर्ड नहीं होता है, लेकिन ये बिल्कुल पास वाली लेयर होती है आपके टॉप सॉइल पे। यानी कि कुछ टाइम में ये वाली रेगोलिथ भी है जो आपका सॉइल में कन्वर्ट हो जाएगी। इसमें देखिए कुछ कुछ छोटे छोटे आपके कंकर है, कंकड़ पत्थर वगैरह ऐसे दिखते हैं आपके, छोटे छोटे सेडिमेंट्स दिखते हैं आपके रॉक्स के। तो ये जब वहां पे कंप्लीटली वेदर्ड हो जाएंगे तो ये भी आपका टॉप लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा ए में, और अच्छा आपका सॉइल बन जाएगा। सी फिर आपकी वो लेयर है जिसमें आपके जो आपके सेडिमेंट्स है, फाइन फाइन फ्रेगमेंट्स है रॉक के जो अभी वेदर्ड नहीं हुए हैं, वो बहुत सारे मिलते हैं सी में। और जो आपकी डी लेयर, आपको ये लास्ट में लेयर दिख रही है, ये आपका होता है पेरेंट रॉक। इसको बोलते हैं बेड रॉक, ओरिजिनल रॉक जो अभी बिल्कुल भी वेदर नहीं हुआ है। ये आपकी लेयर्स हैं, यहां पे भी आप देख पा रहे हैं सॉइल की। सेकेंड जो हमारे पास फैक्टर है सॉइल फॉर्मेशन में, वो है हमारे पास टोपोग्राफिक। ये भी आपका पैसिव कंट्रोल फैक्टर है। टोपोग्राफी आपको पता है कि कोई भी आपका जो एरिया है वो कैसा है, हिली रीजन है या फिर वहाँ कोई वैली है, वहाँ कोई प्लेन है, कोस्टल रीजन है, उसके हिसाब से भी वो सॉइल पे इफेक्ट करता है। अमाउंट ऑफ एक्सपोजर ऑफ अ सर्फेस कवर्ड बाय पेरेंट मटेरियल टू द सनलाइट, कि जो हमारे पास पेरेंट मटेरियल है उसका कितना एक्सपोजर है सनलाइट पर, कितनी जल्दी वेदर होगा, क्या होगा। एंड द अमाउंट ऑफ सर्फेस एंड सब सर्फेस ड्रेनेज, कि जो वहाँ पे ड्रेनेज कैसी है, पानी कैसे एब्जॉर्ब करते हैं वो रॉक्स, एंड ओवर एंड थ्रू द पेरेंट मटेरियल, की वो रॉक्स आपका पानी कैसे, उस पर सनलाइट कितनी पड़ती है, कितना एक्सपोजर है, कितने दिन के लिए एक्सपोज, कितने टाइम के लिए एक्सपोज रहता है सनलाइट पे, उसकी ड्रेनेज कैसे, कितना पानी रिसीव करता है। सॉइल विल बी थिन ऑन स्टीप स्लोप, जब आपके स्लोप स्टीप होंगे, बिल्कुल वर्टिकल ऐसे स्लोप्स होंगे आपके, तो वहां पर सॉइल क्या होगा, थिक होगा। सॉइल की जो मेंटल होगी वो थिक होगी, और सॉइल थिक होगा हमारे पास फ्लैट अपलैंड पे। यानी कि आपके अगर लैंड ऐसा है तो यहां पर क्या होगा, वेदरिंग ज्यादा होगी, यहां पर वेदरिंग कम होगी इस पर, और सॉइल कम टिकता है स्टीप स्लोप्स पे आपका। तो फ्लैट लैंड्स पे आपका जो सॉइल होगा वो आपका ज्यादा होगा, ऑब्वियसली बात है। यहाँ देखिए ओवर जेंटल स्लोप्स पे क्या होता है, इरोजन क्या होता है, स्लो होता है। यहाँ पे परकोलेशन ऑफ वाटर इज गुड, और जो सॉइल फॉर्म करेगा वो हमारे पास बहुत ही फेवरेबल होगा जेंटल स्लोप्स पे। सॉइल ओवर फ्लैट एरियाज, यानी कि हमारे पास प्लेन्स पे थिक लेयर होती है क्ले की, विद गुड एक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर गिविंग द सॉइल डार्क कलर। जो हमारे पास फ्लैट एरियाज होते हैं वहाँ पे क्ले भी काफी सारी होगी, एक्यूमुलेशन मैटर भी, ऑर्गेनिक मैटर भी आपको सारा बहुत सारा मिलता है, उसकी वजह से आपका डार्क कलर भी मिलता है। अब आपका हम देखते हैं मिड लैटिट्यूड्स में, मिड लैटिट्यूड्स के जो सदर्न फेसिंग स्लोप होता है ना, वो आपके एक्सपोज होते हैं सनलाइट पे, वहाँ पे डिफरेंट कंडीशंस ऑफ वेजिटेशन होते हैं, डिफरेंट सॉइल होता है। और जो आपके नदन स्लोप्स होते हैं मिडल लैटिट्यूड्स में, वहां पे आपका क्या होता है, स्लोप होता है कूल मॉइस्ट कंडीशंस होती है, और वहां पे जो सॉइल और वेजिटेशन होती है बहुत कम वेजिटेशन मिलती है, और सॉइल भी जो आपका बनता है वो बहुत थिन सॉइल होता है। फ्रेंड्स थर्ड जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है सॉइल की फॉर्मेशन में, वो है हमारे पास क्लाइमेट फैक्टर। क्लाइमेट क्या करता है, एलिमेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं सॉइल की डेवलपमेंट में। पहला होता है मॉइस्चर, मॉइस्चर इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी, कितना मॉइस्चर है, और वहां पे उस हिसाब से उसका सॉइल की फॉर्मेशन होगी। फ्रीक्वेंसी क्या है और ड्यूरेशन क्या है, प्रेसिपिटेशन कितनी बारिश होती है, इवेपोरेशन यानी कि जितनी बारिश होती है उसमें से कितना पार्ट सन के पास चला जाता है, दोबारा एटमॉस्फेयर में चला जाता है। ह्यूमिडिटी क्या है, कि एयर में कितना मॉइस्चर है, फिर उसके बाद उस क्लाइमेट में कितना टेम्परेचर रहता है, क्लाइमेट हॉट है, ह्यूमिड है, कैसा क्लाइमेट होता है, कोल्ड है आपका। प्रेसिपिटेशन गिव सॉइल्स इट मॉइस्चर, जो बारिश होती है वो सॉइल को उसका मॉइस्चर कंटेंट देती है, विच मेक्स द केमिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज पॉसिबल। अगर आपका ह्यूमिड क्लाइमेट होगा, मॉइस्चर होगा, तो आपकी जो केमिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज है वो ज्यादा होंगी। अब यहां देखिए आपके दो टर्म है, इल्यूविएशन एंड इल्यूविएशन। एक टर्म आपका स्टार्ट होता है ई से, इल्यूविएशन, और एक टर्म है आपका आई से, इल्यूवेशन। इसको हम देख लेते हैं फिगर में क्या होता है। इस वाली फिगर में देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको इल्यूविएशन ई वाला एंड इल्यूविएशन दोनों समझा रखे हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारा इल्यूविएशन क्या होता है, जब आपका जो वाटर है, जो रेनी एरियाज होता है, जब आपका जो टॉप सॉइल पे वाटर पड़ता है, तो वो वाटर परकोलेट डाउन सॉइल होराइजन्स। यानी कि जो वाटर दिख रहा है ना आपको, ये वाला दिख रहा है, ये वाटर आपका नीचे आ रहा है, और जब ये आपका वाटर इस टॉप सॉइल पे होता है, तो ये वाटर क्या करता है, आपका वाटर कुछ डिजोल्व कर लेता है, हमारे पास कुछ मिनरल्स जो कि सॉइल में प्रेजेंट, टॉप सॉइल में कुछ हमारे पास मिनरल्स प्रेजेंट है, उनको ये डिजोल्व कर लेगा, और उनको ये अपने साथ नीचे लेके आता है। जब ये वाटर परकोलेट करता है तो उनको क्या करता है, नीचे लेके आता है। यानी कि वाटर परकोलेट्स डाउन सॉइल होराइजन ट्रांसपोर्टिंग डिजॉल्व्ड मटेरियल्स, जो कि कुछ डिजॉल्व मटेरियल्स हैं, जो कि ऑर्गेनिक्स हैं, इनऑर्गेनिक भी मटेरियल, दोनों टाइप के मटेरियल हैं, तो वो उनको क्या लेके आता है, उनको वो नीचे ले आएगा अपने साथ साथ, जब वो वाटर नीचे वाले लेयर्स में मूव करेगा। और इल्यूविएशन क्या होता है, जो आपका मटेरियल ट्रांसपोर्ट हुआ है आपका फ्रॉम अपर सॉइल, यानी कि जो अपर सॉइल में आपका मटेरियल था, यहां जो आपका मटेरियल था इस वाटर में आपका डिजॉल्व हुआ है और वो नीचे पहुंचा है, और वो आपका जो मटेरियल है वो यहाँ जो आपको ये लेयर दिख रही है ना डार्क वाली लेयर, यहाँ आके आपका डिपॉजिट हो जाता है। इल्यूविएशन बोलते हैं आपको मटेरियल ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम अपर सॉइल होराइजन आर डिपॉजिट, और वो इस लेयर में डिपॉजिट हो जाता है, इसको बोलते हैं इल्यूविएशन।
देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, अगर आपको रेनी क्लाइमेट मिलता है, जैसे कोई सा क्लाइमेट है आपका लाइक इक्विटोरियल रेनी एरियाज मिलते हैं हाई रेनफॉल के साथ, तो वहां पे क्या होता है कैल्शियम सोडियम मैग्नीशियम पोटेशियम बट ऑल्सो मेजर पार्ट ऑफ सिलिका वो क्या हो जाता है रिमूव्ड हो जाता है फ्रॉम द सॉइल। कैल्शियम सोडियम मैग्नीशियम पोटेशियम कहाँ चले जाते हैं, ये आपके इल्यूवेशन हो जाता है यानी कि नीचे वाली लेयर्स में चले जाते हैं जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया। फिर जो रिमूवल होता है सिलिका का फ्रॉम द सॉइल, अगर सॉइल से सिलिका रिमूव हो जाती है उसको बोलते हैं हम डीसिलिकेशन। ड्राई क्लाइमेट्स में क्या होता है बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर, वहाँ हाई टेम्परेचर होता है रेनफॉल उतनी हो नहीं पाती है और इवेपोरेशन क्या होती है ज़्यादा होती है, इवेपोरेशन प्रेसिपिटेशन से एक्सीड कर जाती है यानी कि इवेपोरेशन ज़्यादा होती है रेन कम होती है, हैंस ग्राउंड वाटर इज ब्रॉट अप टू द सर्फेस। और जो आपका ग्राउंड वाटर होता है अब वो उल्टा चलता है यानी कि नीचे से ऊपर वाली लेयर्स में आता है, उसको बोलते हैं कैपिलरी एक्शन एंड इन दिस प्रोसेस द वाटर इवेपोरेट्स लिविंग बिहाइंड द सॉल्ट्स इन द सॉइल। ये देखिए आपके केमिकल एक्शन कैपिलरी एक्शन में क्या होगा फ्रेंड्स, ये जो आपका जो यहाँ पे वाटर होता है नीचे यहाँ पे क्या होता है जो इवेपोरेशन होती है वो ज़्यादा होती है रेनफॉल से, तो जो नीचे वाला वाटर होता है ना वो आपका ऊपर जाता है। अब जो ये नीचे वाला वाटर होता है ये अपने साथ जो यहाँ पे कुछ सॉल्ट्स होंगे इस इन लेयर्स में वो सॉल्ट्स भी ऊपर लेके जाएगा, तो जब ये सर्फेस पे आता है वाटर तो जो सॉल्ट्स होते हैं नीचे वाली लेयर्स में वो यहाँ जमा हो जाते हैं और वाटर क्या करता है आपका इवेपोरेट हो जाता है। ये होता है हमारे पास कैपिलरी एक्शन और इस कैपिलरी एक्शंस की वजह से जो हमारे पास सॉल्ट्स नीचे से ऊपर जो सरफेस पे जमा हो जाते हैं उन सॉल्ट्स को हम क्या कहते हैं फॉर्म इनटू अ क्रस्ट, वो सॉल्ट से क्रस्ट बना लेते हैं और उसको क्या बोलते हैं हम हार्ड पैंस बोलते हैं। और जो हमारे पास ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं ट्रॉपिकल एरियाज में क्या होता है फ्रेंड्स ये कंकर्स हमारे बन जाते हैं, जैसे कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स है और बहुत सारे इंटरमीडिएट प्रेसिपिटेशन कंडीशंस होती है वहाँ पे, तो कैल्शियम कार्बोनेट के नोड्यूल्स यानी कि जो कंकर कहलाते हैं हमारे पास वो वहाँ बनते हैं। टेम्परेचर दो तरह में एक्ट करता है, फर्स्ट आपका इंक्रीज करता है रिड्यूस करता है केमिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटी। देखिए केमिकल एक्टिविटी आपकी बढ़ेगी अगर आपका हायर टेम्परेचर होगा और आपके कूलर टेम्परेचर में कोल्ड रीजंस में आपकी जो केमिकल एक्टिविटी है आपकी डिक्रीज करती है और बिल्कुल स्टॉप हो जाती है, कोई केमिकल एक्टिविटी नहीं होती जहाँ पे आपकी फ्रीजिंग कंडीशन होती है आइस होती है। तो यहाँ पे देखिए ट्रॉपिकल जो सॉइल्स होते हैं हाई टेम्परेचर वहाँ पे होता है शो डीपर प्रोफाइल एंड इन द फ्रोजन टुंड्रा रीजन सॉइल कंटेंस लार्जली मैकेनिकली ब्रोकन मटेरियल्स, यानी कि जो ट्रॉपिकल आपके जो सॉइल्स होते हैं ट्रॉपिकल रीजन में वहाँ हाई टेम्परेचर होता है, केमिकल बायोलॉजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होती है, इस वजह से जो वेदर्ड मेंटल होती है वो ज़्यादा होती है यानी कि सॉइल की डेप्थ ज़्यादा होती है और आपका जो टुंड्रा रीजन है वहाँ पे आपकी वेदर ही नहीं हो पाते मटेरियल्स क्योंकि केमिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है बिल्कुल स्टॉप हो जाती है। उसके बाद जो फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारा वो कौन सा है, वो है हमारे पास बायोलॉजिकल एक्टिविटी। ये देखिए देख लेते हैं कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी में क्या होता है, यहाँ पे जो वेजिटेटिव कवर है और हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे पेरेंट मटेरियल के ऊपर होते हैं वो क्या होते हैं लेटर स्टेज में क्या करते हैं, वही जो वेजिटेटिव कवर हमारे पास पेरेंट मटेरियल के ऊपर होगा ऑर्गेनिजम्स होगा वही उसमें लास्ट में हेल्प करेंगे एडिंग ऑर्गेनिक मैटर, यही ऑर्गेनिक मैटर की तरह ऐड होते हैं, मॉइस्चर रिटेंशन में हेल्प करते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास कुछ डेड प्लांट्स होते हैं जो हमारे पास ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं, ये फाइनली डिवाइडेड ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द सॉइल होता है ह्यूमस जो होता है हमारे पास। ऑर्गेनिक एसिड्स विच फॉर्म ड्यूरिंग ह्यूमिफिकेशन, हमारे पास जब ह्यूमस बन रहा होता है उस प्रोसेस को हम ह्यूमिफिकेशन कहते हैं, तो उससे हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड्स बनते हैं वो एड करते हैं हेल्प करते हैं हमारे पास डिकम्पोजिंग द मिनरल्स ऑफ द सॉइल पेरेंट मटेरियल, जो हमारे पास रॉक में पेरेंट रॉक के जो मिनरल्स होते हैं उनको डिकम्पोज करने में वो हमारे पास जो एसिड होता है ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो हमारे पास हेल्प करते हैं। देखिए आपका जो कोल्ड क्लाइमेट होता है वहाँ पे आपकी ह्यूमिफिकेशन नहीं हो पाती तो ह्यूमस जो होता है हमारे पास डेड हमारे पास प्लांट और एनिमल्स के जो मैटर होता है वो हमारे पास एक्यूमुलेट कर जाता है क्योंकि वहां पे बैक्टीरियल ग्रोथ क्या होती है स्लो होती है और उन एरियाज में हमारे पास कोल्ड एरियाज में लेयर ऑफ पीट एक टाइप का कोल है आपका वो पीट डेवलप कर जाती है इन सब आर्कटिक एंड टुंड्रा क्लाइमेट्स, वहां पे आपको बेकार क्वालिटी का कोल मिलता है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे ह्यूमिड और ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में जहां पे आपके टेम्परेचर ज्यादा होते हैं ह्यूमिडिटी होती है रेनफॉल इक्विटोरियल क्लाइमेट ज्यादा होती है वहां पे क्या होता है टेम्परेचर ज्यादा होगा तो बैक्टीरियल ग्रोथ ज्यादा होगी और एक्शन बैक्टीरिया का इंटेंस होगा और जो आपकी डेड वेजिटेशन होगी वो रैपिडली ऑक्सीडाइज होगी और ह्यूमिफिकेशन होगी ह्यूमस क्या हो जाएगा आपका कन्वर्ट हो जाएगा सॉइल में और जो ह्यूमस कंटेंट है वो बहुत कम हो जाएगा क्योंकि ह्यूमस का ह्यूमिफिकेशन हो जाता है कन्वर्ट हो जाता है ह्यूमस हमारे पास और जो बैक्टीरिया और जो अदर सॉइल ऑर्गेनिजम्स है वो टेक क्या करते हैं जो बैक्टीरिया है और हमारे पास सॉइल के कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे राइजोबियम वो हमारे पास नाइट्रोजन एयर से ले लेते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं उसे केमिकल में दैट कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट्स और वो नाइट्रोजन हमारे प्लांट्स यूज कर लेते हैं। फ्रेंड्स इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, इस प्रोसेस जो हमारे पास एयर से जो हमारे पास नाइट्रोजन आती है केमिकल में कन्वर्ट होकर प्लांट्स यूज करते हैं इस प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। फिर राइजोबियम हमारे एक टाइप का बैक्टीरिया है जो कि हमारे पास रूट्स में पाया जाता है, किसकी रूट्स में नोड्यूल्स ऑफ लेजुमिनस प्लांट्स यानी कि दाले वाले होती हैं तो वो क्या करता है फिक्स करता है नाइट्रोजन को जो कि हमारे पास होस्ट प्लांट के लिए उन दाल वालों के लिए बेनिफिशियल होती है। एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ लार्ज एनिमल जैसे कि आंट है आपका टर्माइट है अर्थ वॉर्म है रोडेंट है ये क्या करते हैं आपके ये हमारे पास जो सॉइल होता है ना उसमें छेद वेद कर देते हैं
और ये मैकेनिकल होता है इनका प्रोसेस, क्या करते हैं सॉइल को अप एंड डाउन कर देते हैं, ऊपर नीचे, यानी कि नीचे वाला सॉइल ऊपर, ऊपर वाला सॉइल नीचे। उसकी वजह से क्या होता है, जो एयर होती है हमारे पास वो नीचे वाले सॉइल के साथ भी आ जाती है, इंटरेक्ट कर लेती है और कुछ हमारे पास सॉइल की वेदरिंग में हेल्प करती है और सॉइल को अच्छा करने में हेल्प करती है। उसके बाद हमारे पास सॉइल में छेद हो जाते हैं जिससे कि हमारे पास सॉइल में मॉइस्चर चला जाता है, एयर जाती है और हमारे पास अच्छा सॉइल बनता है, मॉइस्चर रिटेन भी करता है। लास्ट जो फैक्टर है वो स्टूडेंट्स हमारे पास टाइम है। जितना ज्यादा इस फैक्टर में, बस आप इतना सुनिए कि जितना ज्यादा टाइम लेता है सॉइल, जितना ज्यादा टाइम लेगा उतनी ही आपकी जो सॉइल की डेप्थ होगी, जो मेंटल होगी, सॉइल की मेंटल होगी वो आपकी उतनी ही ज्यादा होगी। ज्यादा टाइम में बहुत अच्छा सॉइल आपका बनता है और जो सॉइल आपका बहुत कम टाइम में बन जाएगा वो उतना ही बेकार सॉइल होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारा ये लेक्चर खत्म होता है और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, आपको सब कुछ समझ आया हो, तो प्लीज़ शेयर कीजिए हमारी इस वीडियो को अपने डिफरेंट फ्रेंड ग्रुप्स में और प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमें बताइए आपको ये लेक्चर कैसा लगा है और इसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, हमारे पास चैप्टर नंबर 6 खत्म हो गया है। नेक्स्ट मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम चैप्टर नंबर 7 आपको कराएंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।